हेलो ऑल, आई एम प्रताप मिलकानी एंड वेलकम टू आवर चैनल लर्निंग कीपिंग इट सिंपल। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर 6 ऑफ क्लास 12 ज्योग्राफी। इस चैप्टर का नाम, जैसे कि आप सब स्क्रीन पर देख सकते हैं, ब्यूटीफुल लैंडस्केप है, एक सीनरी बनी हुई है एंड उसके आगे लिखा है वाटर रिसोर्सेज। ये आपका इंडिया पेपर एंड इकोनॉमी बुक का वीडियो को अभी तक आपने अगर लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक कर दीजिए, जो अक्सर आप लोग भूल जाते हैं। एंड सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को आप बिल्कुल ना भूलिएगा, वरना हमारे जो नए वीडियोज होंगे जो हम रेगुलरली अपलोड करते रहते हैं वो आप तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को एंड वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस चैप्टर की आप सबने बहुत रिक्वेस्ट की थी एंड टुडे आई एम हियर टू एक्सप्लेन इट। तो शुरुआत करेंगे इंट्रोडक्शन के साथ। द फर्स्ट पॉइंट इज वाटर स्कार्सिटी विल पोज द ग्रेटेस्ट चैलेंज इन फ्यूचर। तो ये हम सभी जानते हैं कि जो पानी की कमी है जो हमारा प्रेजेंट वर्ल्ड फेस कर रहा है वो फ्यूचर में और बढ़ जाएगी, क्योंकि पॉपुलेशन लगातार बढ़ती जा रही है एंड वाटर की डिमांड भी उसके साथ बढ़ती जा रही है। सेकेंड इज वाटर अ साइक्लिक रिसोर्स कवर्स 71% ऑफ द अर्थ सर्फेस बट ओनली 3% इज फ्रेश वाटर। तो वाटर एक साइक्लिक रिसोर्स है। साइक्लिक रिसोर्स का मतलब, जैसा आपने वाटर साइकिल पढ़ा था कि एक साइकिल में मूव होते रहता है वाटर। आपका सबसे पहले बारिश होती है एंड बारिश के बाद वो एवेपोरेट होके वापस एयर में जाता है, फिर कंडेंस होकर वापस जमीन में आता है। तो इसलिए वाटर को एक साइक्लिक रिसोर्स कहा गया है। और अर्थ में 71% आपका पानी है। आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि अर्थ में 71% आपका वाटर है एंड 29% आपकी लैंड है, बट ओनली 3% इज फ्रेश वाटर। अब समझने वाली चीज ये है कि 71% हमारे पास पानी जरूर है, बट उसमें से जो हम यूज कर सकते हैं एंड फ्रेश वाटर की हम बात कर रहे हैं, इट इज ओनली 3%। तो इसलिए हमें वाटर को कंजर्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड है द कंटेस्टेड इश्यूज ऑफ द प्रेजेंट वर्ल्ड आर द टेंशन एंड डिस्प्यूट्स ऑन शेयरिंग एंड कंट्रोल ऑफ द स्कार्स रिसोर्स। तो ये बहुत कॉमन पॉइंट है। आप सबने कावेरी डिस्प्यूट के बारे में सुना होगा, बिटवीन द स्टेट्स ऑफ तमिलनाडु एंड कर्नाटका। इन दो स्टेट्स के बीच में एक डिस्प्यूट है कावेरी रिवर की वाटर शेयरिंग के लिए, कि वाटर किसका होना चाहिए उस पर, जो किसका लाइक तमिलनाडु से अगर वो जाती है तो तमिलनाडु को उस पर पूरा राइट होना चाहिए, उसका पूरा पानी यूज करने का एंड कर्नाटका का भी। तो इन दोनों के बीच एक इशू चल रहा है ये कावेरी का, कावेरी डिस्पोटेड डिस्प्यूट, जिसे बहुत फेमस है, आप लोग सब जानते होंगे। तो ये पॉइंट में सिंपली यही कहा है कि जो प्रेजेंट डे वर्ल्ड के बहुत कंटेस्टेड इशूज है जो बढ़ चढ़ कर आ रहे हैं, वो वाटर के एक तरह से कंट्रोल एंड शेयरिंग पे बेस्ड है, क्योंकि वाटर एक स्कार्स रिसोर्स है, सबको उसकी जरूरत है एंड धीरे धीरे वो कम होते जा रहे हैं। ये बात हो रही है फ्रेश वाटर की। लास्ट इज असेसमेंट एफिशिएंट यूज एंड कंजर्वेशन ऑफ वाटर आर नेसेसरी टू इंश्योर डेवलपमेंट। तो लास्ट पॉइंट में सिंपली आपसे कह रहे हैं कि हमें वाटर को असेस करना है, कि हम ऐसा तो नहीं है कि वाटर को ओवर यूटिलाइज कर दे रहे हैं, ज्यादा हम यूज कर दे रहे हैं उसको। एंड एफिशिएंट यूज, हमें एफिशिएंटली यूज करना है, उसको वेस्ट नहीं करना है। एंड कंजर्वेशन ऑफ वाटर, हमें वाटर को कंजर्व भी करना है फॉर फ्यूचर जनरेशन, क्योंकि हम जानते हैं ओनली 3% इज फ्रेश वाटर। तो आई होप आपको इंट्रोडक्शन क्लियर हुआ हो। 3% इज फ्रेश वाटर, ये आपको एक तरह से लर्न होना चाहिए आंसर्स में कोड करने के लिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंडिया के वाटर रिसोर्सेज की। तो एक ब्रीफ है इंडिया के वाटर रिसोर्सेज के बारे में, डिटेल में हम सरफेस वाटर, ग्राउंड वाटर पर्टिकुलरली उनके बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। तो एक ब्रीफ है। फर्स्ट पॉइंट इज इंडिया अकाउंट्स 2.45% ऑफ द वर्ल्ड सर्फेस एरिया एंड 4% ऑफ द वर्ल्ड वाटर रिसोर्सेज एंड 16% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। तो इस पॉइंट में समझने वाली चीज ये है कि हमारे हमारी जो कंट्री है उसके पास वर्ल्ड के 4% रिसोर्सेज हैं, बट जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है उसका 16% है। तो इस तरह से आप एक तरह से एक कोट कर सकते हैं अपने आंसर्स में कि देखिए कितनी इनइक्वालिटी है। वर्ल्ड की 16% जो पॉपुलेशन है, 16% जो वर्ल्ड की टोटल पॉपुलेशन है, वो उसके 16% हमारी कंट्री में रह रहे हैं, बट वाटर रिसोर्सेज की हम बात करें तो सिर्फ 4% है। तो आप देख सकते हैं कि डिपेंडेंसी रेशियो कितना ज्यादा है। जो पॉपुलेशन है 16% वो हमारी कंट्री में रहती है वर्ल्ड की, बट वर्ल्ड के सिर्फ 4% वाटर रिसोर्सेज हमारी कंट्री में है। सेकेंड इज टोटल वाटर फ्रॉम प्रेसिपिटेशन इन द कंट्री इन अ ईयर इज 4000 क्यूबिक किलोमीटर। तो वाटर को एक तरह से मेजर करने की जो यूनिट होती है, इट इज क्यूबिक किलोमीटर या क्यूसेक्स भी होती है। तो सेकेंड आपका पॉइंट कह रहा है कि जो हमारी कंट्री में वाटर फ्रॉम प्रेसिपिटेशन है, मतलब जो बारिश से आपका पानी रिवर्स में, सर्फेस वाटर में, ग्राउंड में, ये सब जगहों पर इकट्ठा होता है फ्रॉम प्रेसिपिटेशन, मतलब बारिश से, इट इज 4000 क्यूबिक किलोमीटर। तो इससे आप जान सकते हैं, समझ सकते हैं कि रेनफॉल की कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है हमारी कंट्री में। साउथ वेस्ट मॉनसून जिसे कहते हैं, फार्मर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड इज अवेलेबिलिटी फ्रॉम सर्फेस वाटर एंड रिप्लेनिशेबल ग्राउंड वाटर इज 1869 क्यूबिक किलोमीटर। तो हमारी कंट्री में जो सर्फेस वाटर और रिप्लेनिशेबल ग्राउंड वाटर से जो अवेलेबिलिटी, मतलब दोनों का टोटल में,
यह है आपकी 1869 क्यूबिक किलोमीटर। देखिए ये पॉइंट लर्न करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारी कंट्री प्रेसिपिटेशन से कितना आती है, 4000 क्यूबिक किलोमीटर, ये आपको याद होना चाहिए। एंड सरफेस वाटर एंड रिप्लेनिशेबल ग्राउंड वाटर, रिप्लेनिशेबल ग्राउंड वाटर का मतलब वो ग्राउंड वाटर है जो आपका जल्दी रिचार्ज हो जाता है, मतलब ऐसा नहीं कि वो एक बार ग्राउंड वाटर है तो अगर आप उसको यूज करेंगे तो खत्म हो जाएगा, वो रेनफॉल के द्वारा दोबारा रिचार्ज हो जाएगा। तो हमारी कंट्री में सरफेस वाटर यानी सरफेस वाटर रिसोर्सेज आपके वो होते हैं लाइक लेक्स, रिवर, पॉन्ड, जो सरफेस ग्राउंड सरफेस में होते हैं। एस 1869 क्यूबिक किलोमीटर दोनों की प्लस अगर आप देखेंगे तो मतलब सरफेस वाटर प्लस रिप्लेनिशेबल ग्राउंड वाटर से जो हमारी अवेलेबिलिटी है 1869 क्यूबिक किलोमीटर। नेक्स्ट इज यूटिलाइजेबल वाटर रिसोर्स इन इंडिया इज ओनली 1122 क्यूबिक किलोमीटर। तो हमने पढ़ा कि हमारी कंट्री में 1869 क्यूबिक किलोमीटर की एक तरह से अवेलेबिलिटी है सरफेस और टोटल वाटर की, बट उसमें से आपका सिर्फ 1122 क्यूबिक किलोमीटर ही हम यूज कर सकते हैं। तो पिछले पॉइंट में आप सबने पढ़ा था कि हमारी कंट्री में जो टोटल वाटर अवेलेबिलिटी है चाहे वो सरफेस वाटर हो या रिप्लेनिशेबल ग्राउंड वाटर हो वो टोटल 1869 क्यूबिक किलोमीटर है। बट अब हम आते हैं कि उसमें से हम कितना यूटिलाइज कर सकते हैं। देखिए वाटर हमारी अर्थ पे भी 71% है एंड उसके हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो 71% में से 3% हमारे पास फ्रेश वाटर है। अब उस 3% फ्रेश वाटर में से भी ध्यान से सुनिएगा 2% वाटर जो है वो ग्लेशियर फॉर्म में है जिसको हम डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। फ्रेश वाटर तो है बट हम उसे डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते, ग्लेशियर्स को पहले मेल्ट होना पड़ता है फिर रिवर्स बनती है एंड ऑल, ये सब प्रोसेस के थ्रू एक तरह से जाना पड़ता है तब आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो इन कुछ कारणों की वजह से या इन कुछ रीजंस के से हमारी जो कंट्री में यूटिलाइजेबल वाटर रिसोर्स है जिसको हम यूज कर सकते हैं डायरेक्टली इट इज ओनली 1122 क्यूबिक किलोमीटर। लास्ट पॉइंट आपसे कह रहा है प्रेसिपिटेशन इज हाई ड्यूरिंग मॉनसून सीजन। तो हम ये सब जानते हैं कि हमारी कंट्री में प्रेसिपिटेशन मतलब जो बारिश होती है वो सबसे ज्यादा मॉनसून सीजन के टाइम पे होती है, इसीलिए इस समय पर जो हमारे प्रेसिपिटेशन का वाटर जमा होता है एक तरह से प्रेसिपिटेशन से जो हमारा वाटर आता है सबसे ज्यादा होता है क्योंकि बारिश इतनी ज्यादा होती है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सरफेस वाटर रिसोर्सेज। तो सबसे पहला पॉइंट है आपका सोर्सेज ऑफ सरफेस वाटर जो कि हैं रिवर्स, लेक्स एंड पॉन्ड्स। ये सोर्सेज ऑफ सरफेस वाटर जो होते हैं आपको नॉर्मली ग्राउंड सरफेस पे मिल जाएंगे लाइक रिवर्स आप इजीली देख सकते हैं, लेक्स की मैं बात करूँ तो बहुत आसानी से जाते हैं पॉन्ड्स। सेकेंड इज द मीन एनुअल फ्लो इन ऑल द रिवर बेसिन इन इंडिया इज 1869 क्यूबिक किलोमीटर। तो रिवर बेसिन अब एक शब्द आता है जिसका कई बच्चों कन्फ्यूजन होता है एंड आई नो कि आप लोगों का अभी भी डाउट आया होगा क्योंकि 11th हमने भले ही पढ़ा था बट चीज़ें दिमाग में रहती नहीं है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है मैं एक्सप्लेन करूंगा, आप कहीं मत जाइए बस देखते रहिए। तो रिवर बेसिन की बात करूं तो रिवर बेसिन एक ऐसा एरिया होता है लैंड का जहां पर जो आपकी रिवर होती है और उसकी ट्रिब्यूटरीज होती है। ट्रिब्यूटरीज आप सभी जानते होंगे कि एक तरह से वो रिवर्स होती हैं जो मेन रिवर को ज्वाइन करती हैं, उसकी ट्रिब्यूटरीज की हम बात करें तो ऐसा एरिया होता है लैंड का जहाँ पर जो आपकी रिवर्स हैं ट्रिब्यूटरीज हैं वो एक साथ ड्रेन करती हैं वो आपका रिवर बेसिन कहता है। एक तरह से आपका जहाँ पर पानी एक साथ से इकट्ठा होता है सारी रिवर्स आ रही हैं एंड उसकी ट्रिब्यूटरीज भी आ रही हैं एक जगह पर एक लैंड एरिया है वहाँ पर वो पानी अपना ड्रेन कर रही हैं उसको हम रिवर बेसिन कहते हैं। तो हमारी कंट्री में सभी रिवर्स का जो चाहे गंगा हो, ब्रह्मपुत्र हो, कावेरी हो, कृष्णा हो, सबका ऑन एन एवरेज जितना भी वाटर का एनुअल फ्लो रहता है इट इज 1869 क्यूबिक किलोमीटर। हमारी कंट्री में जो एवरेज एनुअल फ्लो है रिवर बेसिन का, मीन का मतलब एवरेज होता है, इट इज 1869 क्यूबिक किलोमीटर। ये चीजें आपको लर्न करने की बहुत बहुत जरूरत है एंड आई वुड से कि जितनी भी चीजें मेरी स्लाइड्स में आती जा रही हैं वो तो आपको लर्न करनी ही करनी है क्योंकि देखिए बहुत सिलेक्टेड पॉइंट्स में आपके लाता हूं, ऐसा नहीं कि आपको सभी पढ़ना है बट कई स्लाइड्स में आप सोचते होंगे कि लाइक यार बुक में भी इतना ही दे रखा है। वो उसका रीजन ये है कि देखिए एनसीईआरटी की लैंग्वेज लिखना क्लास 12th के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप नहीं लिखेंगे तो आपको एग्जामिनर मार्क्स नहीं देता है। ये कई बच्चों के साथ हुआ है एंड रिग्रेट भी किया है उन बच्चों ने कि हमने क्यों नहीं लिखा एनसीईआरटी की लैंग्वेज में, क्योंकि देखिए मार्किंग स्कीम जो आती है, मार्किंग स्कीम मैं बार बार बताते रहता हूं आपको, एनसीईआरटी बुक से ही बनती है। तो अगर आपने वहां पर 1869 क्यूबिक किलोमीटर मेंशन ना किया तो हो सकता है एग्जामिनर मार्क्स काट दे और ज्योग्राफी में जो आपके मार्क्स होते हैं इसी तरह कटते हैं। आंसर लिखना सबको आता है, जनरल आंसर सब लिख सकते हैं बट आपको पॉइंट्स जो होते हैं वो कोट करने पड़ते हैं आपकी एनसीईआरटी से। तो आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। थर्ड है आपका ड्यू टू टोपोग्राफिकल, हाइड्रोलॉजिकल एंड अदर कंस्ट्रेंट्स ओनली अबाउट 690 क्यूबिक किलोमीटर ऑफ द अवेलेबल सर्फेस वाटर कैन बी यूटिलाइज्ड। तो ड्यू टू टोपोग्राफिकल कंस्ट्रेंट्स, टोपोग्राफिकल कंस्ट्रेंट्स की हम बात करें तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की लैंड्स होती हैं चाहे वो माउंटेन्स हो, हिल्स हो या प्लेन हो, तो कई सारे कंस्ट्रेंट आते हैं। लाइक माउंटेन में हम बात करें तो रिवर्स में आप पानी इजीली निकाल नहीं सकते, यूज़ नहीं कर सकते, काफ़ी दिक्कत आती है। ठंड के दिनों में वो एक तरह से जम जाता है या फिर कई बार वो सॉलिडिफाई हो जाता है जो हाइड्रोलॉजिकल कंस्ट्रेंट बन जाते हैं आपके।
तो ट्रोपोग्राफिकल मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ लैंड से रिलेटेड जो कंस्ट्रेंट्स होते हैं, जो दिक्कतें होती हैं आपकी, एंड हाइड्रोलॉजिकल। हाइड्रोलॉजिकल का मतलब सिंपली आप समझें तो जो वाटर की फॉर्म एक तरह से चेंज हो जाती है, लाइक सरफेस वाटर है, अगर वो ठंड के दिनों में कई जगह रीजन्स में क्या होता है कि पानी जम जाता है तो आप उसको यूज़ नहीं कर सकते। इसीलिए इन कंस्ट्रेंट के कारण हमारी कंट्री में जितना भी सरफेस वाटर रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनके में से सिर्फ हम 690 क्यूबिक किलोमीटर ही यूज़ कर सकते हैं। ये बात हो रही है आपकी सरफेस वाटर की। लास्ट इज वाटर फ्लो इन अ रिवर डिपेंड्स ऑन साइज ऑफ इट्स कैचमेंट एरिया ऑफ रिवर बेसिन एंड रेनफॉल विद इन इट्स कैचमेंट एरिया। तो कैचमेंट एरिया की मैं बात करूँ तो कैचमेंट एरिया आपका लैंड का वो एरिया होता है जहाँ पर जब बारिश होती है तो पानी इकट्ठा होता है। कैचमेंट एरिया मतलब बारिश के टाइम पे जो पानी को कैच करता है वो एरिया आपका कैचमेंट एरिया होता है। तो किसी भी रिवर पे, समझिएगा इस बात को, किसी भी रिवर पे जो वाटर फ्लो होता है, पानी का जो फ्लो होता है, वो डिपेंड करता है कि उसका जो कैचमेंट एरिया, जो बारिश के समय वो पानी कैच कर रहा है, उसका साइज कितना है। अगर साइज छोटा होगा तो वाटर फ्लो इतना ज्यादा नहीं होगा। अगर उसका कैचमेंट एरिया मतलब जितना पानी वो इकट्ठा करता है, अगर रिवर बड़ी है तो उसमें ज्यादा पानी होगा, मतलब वाटर फ्लो ज्यादा होगा। एंड रेनफॉल विद इट्स कैचमेंट एरिया, अगर रेनफॉल कम हुई और कैचमेंट एरिया ज्यादा है, देखिए कैचमेंट एरिया तो ज्यादा है, समझिएगा इस बात को, कैचमेंट एरिया ज्यादा है मतलब जितना वो पानी इकट्ठा कर सकता है, अब बारिश ही कम हुई तो वाटर फ्लो ज्यादा कैसे होगा। इसीलिए डिपेंड करता है कि उसका साइज बड़ा होना चाहिए एंड रेनफॉल भी ज्यादा होनी चाहिए, तभी आपका वाटर फ्लो ज्यादा होगा। आई होप आपको क्लियर हुआ हो। नेक्स्ट हम बात करेंगे ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज की। तो फर्स्ट पॉइंट है आपका द टोटल रिप्लेनिशेबल ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज इन द कंट्री आर 432 क्यूबिक किलोमीटर, ये भी लर्न कर लीजिएगा। एंड मैं आपको अपनी बात बताऊंगा, मेरे प्रैक्टिकल एग्जामिनर व्हेन आई वाज इन 12th तो मैं इससे क्वेश्चन जरूर पूछा था कि हमारी कंट्री में जो ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज हैं टोटल रिप्लेनिशेबल वो कितने हैं, मतलब क्यूबिक किलोमीटर्स में आपको बताना था। तो इसलिए मैं कहूँगा आप इन चीज़ों को लर्न कर लीजिएगा। एंड मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ, ये जितनी भी चीज़ मैं अपनी स्लाइड्स में लाता हूँ वो बहुत सिलेक्टेड हैं, वो पूछे जाने के चांसेस 99.9% हैं। सेकंड इज लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर यूटिलाइजेशन इज हाई इन रिवर बेसिन्स ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न रीजन। तो अगर हम बात करें नॉर्थ वेस्टर्न रीजन के रिवर बेसिन्स की, तो नॉर्थ वेस्टर्न मतलब आपका इंडिया का नॉर्थ का पार्ट, नॉर्थ इंडिया का वेस्टर्न रीजन, वेस्टर्न रीजन में आप समझ सकते हैं आपका गंगा बेसिन है। तो ये पॉइंट सिंपली कह रहा है कि गंगा बेसिन का जो ग्राउंड वाटर यूटिलाइजेशन है, मतलब नॉर्थ वेस्टर्न रीजन के जितनी भी रिवर बेसिन हैं, फॉर एग्जाम्पल गंगा रिवर, उसका ग्राउंड वाटर यूटिलाइजेशन बहुत ज़्यादा है। मतलब जो स्टेट्स हैं आपके नॉर्थ वेस्टर्न रीजन के, चाहे राजस्थान हो या फिर आपका हरियाणा हो, ये सब जो जितने भी स्टेट्स नॉर्थ वेस्टर्न के, ये ग्राउंड वाटर यूटिलाइज सबसे ज्यादा करते हैं। थर्ड है गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन्स हैव हायर रिप्लेनिशेबल ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज। तो गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा के जो रिवर बेसिन्स हैं उनका सबसे ज्यादा रिप्लेनिशेबल ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज हैं। अब आपके कई बच्चों का कन्फ्यूजन होता है कि रिप्लेनिशेबल ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज क्या होता है। तो देखिए रिप्लेनिशेबल ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज आपके वो वाटर रिसोर्सेज होते हैं विच कैन बी रिचार्ज बाय रेनफॉल। मतलब ऐसा नहीं होगा कि वो एक बार बारिश हुई एंड मतलब ऐसा नहीं है कि वो ग्राउंड में स्टैग्नेंट है, एक तरह से रुके हुए हैं, अगर आप उनको निकालोगे तो खत्म हो जाएंगे। तो रिप्लेनिशेबल ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज आपके वो होते हैं जो अगेन एंड अगेन रिचार्ज हो जाते हैं थ्रू रेनफॉल या फिर कोई और चीजों के कारण। मतलब हो सकता है बारिश हो जाए तो वो दोबारा रिचार्ज हो जाते हैं। रिप्लेनिशेबल सिंपली आप समझिए रिचार्जेबल ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज, जो रिचार्ज हो जाते हैं। तो गंगा और ब्रह्मपुत्रा के जो रिवर बेसिन्स हैं उनका सबसे ज्यादा ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज रिप्लेनिशेबल हैं। नेक्स्ट इज ग्राउंड वाटर यूटिलाइजेशन इज वेरी हाई इन पंजाब हरियाणा एंड राजस्थान। तो अब आप रिलेट कीजिए इस पॉइंट को जो हमने पढ़ा था सेकंड पॉइंट पे, हमने पढ़ा था लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर यूटिलाइजेशन इज हाई इन रिवर बेसिन्स ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न रीजन। अब नॉर्थ वेस्टर्न रीजन की मैं बात करूं, देखिए सेम पॉइंट है। अब आप सोचेंगे सेम पॉइंट था, इसको घुमा फिरा के दूसरी बार क्यों लिखा, वो इसलिए लिखा क्योंकि क्या होता है ना, 5 मार्क के आंसर आपको लिखने को आते हैं, 5 मार्क के आंसर आपको लिखने को आए, तो अगर आप कई बार होता है 4 पॉइंट लिखे हो आपने, 5वां ना लिखा हो, तो कुछ एग्जामिनर्स होते हैं ऐसे, सही बात बता रहा हूँ मैं आपको, जो आपके वहाँ पर 1 मार्क्स हो सकता है 5 नंबर का क्वेश्चन हो, आपने 4 पॉइंट लिखे हो या 5 पॉइंट लिखे हो, तो अगर आपके कोई हल्की सी गलती हुई वहाँ पर आपके सिर्फ हो सकता है आपको सिर्फ 4 या 4.5 नंबर दे दे, मतलब आधा है, 1 नंबर आपका काट लेगा। तो इन सबसे बचने के लिए आप अपना एडिशनल चीज़ें तैयार रखिए। जैसे आपने यहाँ पर देख सकते हैं 6 पॉइंट्स हैं, अगर आप ये 6 पॉइंट्स वहाँ पर लिख देंगे, और एक और बात मैं बताता हूँ, जैसे ये नोट्स हैं ये शॉर्ट फॉर्म में, मतलब इन शॉर्ट में बताता हूँ आपको, सिर्फ जितना भी लिखा होता है शॉर्ट लिखा होता है, एग्जाम में आया तो यही कॉपी मत कर दीजिएगा, इनको थोड़ा एक्सपेंड कर दीजिएगा। तो पॉइंट की हम बात कर रहे थे, ग्राउंड वाटर यूटिलाइजेशन इज वेरी हाई इन पंजाब हरियाणा एंड राजस्थान, बात वही है जो आपका सेकंड पॉइंट कर रहा था, बस लिखा किसी और अंदाज में है। नेक्स्ट इज केरल छत्तीसगढ़ यूटिलाइज स्मॉल प्रपोर्शन ऑफ ग्राउंड वाटर।
तो एक तरह से बताया गया कि कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जो लास्ट के 3 पॉइंट्स है उसमें आपको बताया पंजाब हरियाणा एंड राजस्थान जो है इन स्टेट्स में ग्राउंड वाटर यूटिलाइजेशन मतलब जो जमीन का पानी है थ्रू ट्यूबवेल्स एंड वेल्स बहुत ज्यादा एक्सट्रैक्ट किया जाता है, बल्कि जो जबकि जो केरल छत्तीसगढ़ है ये बहुत स्मॉल प्रपोर्शन में ग्राउंड वाटर यूटिलाइज करते हैं। नेक्स्ट है गुजरात यूपी महाराष्ट्र है मॉडरेट रेट ऑफ यूटिलाइजेशन मतलब ये यूटिलाइज तो करते हैं बट इतनी ज्यादा मतलब ज्यादा यूटिलाइज नहीं करते क्योंकि सरफेस वाटर पे ज्यादा डिपेंडेंट हैं। लास्ट अब आप देख सकते हैं स्टार करके एक इक्वेशन बनी हुई है 690 प्लस 432 इज इक्वल्स टू 1122 क्यूबिक किलोमीटर। अब आप लोग सोच रहे होंगे अब मैं मैथ्स तो नहीं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर, तो डोंट वरी मैं मैथ्स नहीं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर, ये सिंपली मैंने आपको ये इक्वेशन इसलिए दी है ये आप समझिएगा इस बात को कि हमने क्या पढ़ा था हमारी कंट्री में यूजेबल ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज कितने हैं 1122 क्यूबिक किलोमीटर। आप बैक करके देख लीजिए इसको दोबारा से कि मैंने पढ़ाया था आपको कि हमारी कंट्री में यूज जिनको कर सकते हैं चाहे वो ग्राउंड वाटर हो या फिर सरफेस वाटर हो वो 1122 क्यूबिक किलोमीटर है। अब हम आते हैं 1122 क्यूबिक किलोमीटर बना कैसे, तो देखिएगा सरफेस वाटर में आपने पढ़ा ओनली 690 क्यूबिक किलोमीटर इज यूटिलाइजेबल ऑफ सरफेस वाटर और यहाँ आपने ग्राउंड वाटर में पड़ा कितना 432 क्यूबिक किलोमीटर। 690 प्लस 432 ऐड कर दीजिए बना आपका 1122 क्यूबिक किलोमीटर विच इज द टोटल यूटिलाइजेबल वाटर रिसोर्सेज, टीयू करके लिख देता हूँ मैं टोटल यूटिलाइजेबल वाटर रिसोर्सेज। आई होप आपको क्लियर हुआ हो। टेबल 6.1 की हम बात करें जो एनसीईआरटी बुक में आपकी बनी हुई है आप देख सकते हैं उसमें आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको लर्न होना बहुत इंपॉर्टेंट है तो देख लीजिए। सबसे पहला पॉइंट है हाईएस्ट टोटल रिप्लेनिशेबल यूटिलाइजेशन, तो आपसे एग्जाम्पल में क्वेश्चन आ सकता है 1 मार्क में कि विच रिवर हैज द हाईएस्ट टोटल रिप्लेनिशेबल यूटिलाइजेशन इन इंडिया, तो आपको सिंपली आंसर करना है गंगा। और हाईएस्ट टोटल रिप्लेनिशेबल यूटिलाइजेशन की हम बात करें तो वो कौन सी रिवर है इसको मैं समझाऊं जिसका जो रिप्लेनिशेबल ग्राउंड वाटर है वो सबसे ज्यादा यूटिलाइज किया जाता है मतलब लोग सबसे ज्यादा यूज करते हैं उसके रिप्लेनिशेबल ग्राउंड वाटर को, तो वो है गंगा। हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा था कि जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है वहां पर सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, तो जो रिप्लेनिशेबल वाटर है ग्राउंड वाटर वो सबसे ज्यादा यूटिलाइज गंगा का होता है, सिंपल सी चीज। सेकेंड इज लोएस्ट रिप्लेनिशेबल यूटिलाइजेशन, सेकेंड आपका है कि किस रिवर का जो ग्राउंड वाटर जो रिप्लेनिशेबल है सबसे कम यूज होता है, तो इट इज सुबर्णरेखा। थर्ड इज हाईएस्ट लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर, ध्यान रखिएगा हमारी कंट्री में इंडस का जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो सबसे ज्यादा है। नेक्स्ट इज लोएस्ट लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर इट इज ब्रह्मपुत्र, तो आई होप आपको क्लियर हुआ हो ये लर्न कर लीजिएगा इट विल बी वेरी बेनिफिशियल टू यू। नेक्स्ट हमारा है लगून्स एंड बैक वाटर्स, तो लगून्स की डेफिनेशन देख लीजिए शैलो एरिया ऑफ सॉल्ट वाटर कंप्लीटली और पार्टली सेपरेटेड फ्रॉम ओपन सी बाय सम ऑब्स्टेकल लाइक सैंड बैंक। शैलो का मतलब होता है गहरा, तो लगून्स एक तरह से एक गहरा एरिया है जिसमें सॉल्ट वाटर भरे रहता है और वो सेपरेट होता है फ्रॉम ओपन सी मेन सी से सेपरेट रहता है बाय सम ऑब्स्टेकल लाइक सैंड बैंक। अब इसको एक पिक्चर के थ्रू समझते हैं, तो जैसा कि आप सब अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं ये आपका मेन सी है, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखें तो आपका ओपन सी है जिसकी हम बात कर रहे हैं, ओएस करके मैंने डिनोट कर लिया, बाकी चीजें मत देखिएगा डायरेक्शन ऑफ लॉन्ग शोर ड्रिफ्ट वो काम की नहीं है इस टॉपिक पे, सिर्फ लगून पे ध्यान दीजिएगा। तो देखिए ये आपका लगून है, ये शेलो काफी गहरा एरिया है ये जिसमें आपका सॉल्ट वाटर भरा है, यहाँ पर आपका सॉल्ट वाटर है SW सॉल्ट वाटर है एंड इट इज सेपरेटेड फ्रॉम ओपन सी, दिस इज योर ओपन सी फ्रॉम एन ऑब्स्टेकल लाइक सैंड बैंक, ये आपका सैंड बैंक है जैसे कि आप देख सकते हैं सैंड बैंक है, तो ये आपका लगून होता है। लगून में क्या होता है एक शैलो एरिया होता है एक गहरा जिसमें आपका सॉल्ट वाटर भरा रहता है एंड इट इज सेपरेटेड फ्रॉम ओपन सी बाय एन ऑब्स्टेकल, कोई भी ऑब्स्टेकल हो सकता है बट मोस्टली सैंड बैंक जो एक तरह से सैंड का किनारा होता है वही उससे सेपरेटेड रहता है, तो आई होप आपको लगून समझ आया हो। नेक्स्ट है हमारा बैकवाटर्स, तो बैकवाटर्स की हम बात करें तो बैकवाटर्स बैकवाटर रिवर का वो पार्ट होता है जिसमें बिल्कुल करंट नहीं होता है, एक तरह से आप कह सकते हैं ये स्टैग्नेंट पार्ट होता है रिवर का, इसमें वाटर बिल्कुल मूव नहीं करता है। करंट हम जानते हैं करंट का मतलब होता है जो रिवर्स में वाटर में जो भी डिस्टर्बेंसेज होती है जो भी मूवमेंट होता है उसको हम करंट कहते हैं, बट बैकवाटर ऐसा रिवर का पार्ट है जिसमें कोई करंट नहीं होता जिसमें कोई मूवमेंट नहीं होती इट इज स्टैग्नेंट। थर्ड है लगून्स एंड बैकवाटर्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू लार्ज कोस्टलाइन एंड इंडेंटेड कोस्ट, तो जैसा कि हम सब जानते हैं इंडिया की कोस्ट लाइन काफी बड़ी है और इसलिए हमें ट्रेड बेनिफिट्स भी काफी मिलते हैं क्योंकि जो पोर्ट्स हार्बर्स हैं उनके लिए काफी बेनिफिशियल है लार्ज कोस्ट लाइन, ये आपने इंटरनेशनल ट्रेड में पढ़ा होगा जो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। एंड इंडेंटेड कोस्ट, इंडेंटेड कोस्ट का मतलब होता है zigzag, इंडेंटेड का शब्द का मतलब है zigzag, तो आपने एक बात ध्यान दी होगी इंडिया का जो मैप है वो आप कभी बनाते होंगे तो प्लेन नहीं है, इंडिया इज नॉट प्लेन, ऐसा प्लेन नहीं है ध्यान दीजिएगा, इंडिया की जो कोस्ट लाइन है वो थोड़ी zigzag है थोड़ी कर्वी है,
कर्व आपको देखने को मिलेगा, ऐसे 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 करके कर्व है। तो एक तरह से थोड़ा अच्छा नहीं बन पाए, बट इस तरह से इंडिया का जो जिगजैग वाला कोस्ट लाइन है, इसको ही आप इंडेंटेड कोस्ट कहते हैं। दिस इज योर इंडेंटेड कोस्ट। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि इंडेंटेड कोस्ट का मतलब क्या होता है। इंडेंटेड का सीधा मतलब कर्वी, एक तरह से इसमें कर्व हो। फोर्थ इज दीज आर यूज फॉर फिशिंग एंड इरीगेटिंग क्रॉप्स लाइक राइस। तो जो आपके बैक वाटर्स होते हैं वो बेनिफिशियल रहते हैं फिशिंग के लिए एंड इरिगेटिंग क्रॉप्स, क्योंकि स्टैग्नेंट वाटर इनमें रहता है तो फिशिंग की जा सकती है एंड क्रॉप्स को इरिगेट किया जा सकता है लाइक राइस। लास्ट पॉइंट इज फाउंड इन केरल एंड वेस्ट बंगाल। आप लोगों ने सुना भी होगा जूनियर क्लास में फेमस है बैक वाटर्स ऑफ केरल एंड वेस्ट बंगाल में भी बैक वाटर्स पाए जाते हैं। तो आई होप आपको लगूनस एंड बैक वाटर्स समझ आया होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे वाटर डिमांड एंड यूटिलाइजेशन की। तो हमारी कंट्री ट्रेडिशनली एक एग्रीकल्चर इकोनॉमी रही है, जो आपका फर्स्ट पॉइंट कहता है। एंड सेकंड पॉइंट है कि हमारी जो कंट्री की 2/3 पॉपुलेशन है, इट इज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। 2/3 को आप परसेंट में देखेंगे तो इट इज अप्रॉक्सीमेटली 67%। तो 67% पॉपुलेशन आपके एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है और हम ट्रेडिशनली एक एग्रीकल्चर इकोनॉमी रहे हैं। थर्ड इज डेवलपमेंट ऑफ इरीगेशन हैज बीन असाइंड अ हाई प्रायोरिटी इन 5-year प्लान। तो क्योंकि ट्रेडिशनली हम एग्रीकल्चर में इतने स्ट्रांग थे एंड हमारी इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन जो थी 2/3 वो एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट थी, इसीलिए इरिगेशन के डेवलपमेंट को एक हाई प्रायोरिटी दी गई कि नहीं, इरिगेशन को डेवलप तो करना ही करना है। इन 5-year प्लान जो हमारे 5-year प्लान कंट्री में आए, आप सब इस बात से वाकिफ होंगे, पता होगा आप लोगों को कि प्लानिंग कमीशन 1950 में हमारी कंट्री में आया एंड 1951 में आपका पहला 5-year प्लान आया विच मेनली फोकस्ड ऑन एग्रीकल्चर। तो इसलिए इसी 5-year प्लान में इरिगेशन के डेवलपमेंट पे काफ़ी ज़्यादा प्रायोरिटी दी गई कि मतलब इरिगेशन को डेवलप करना है हमें, ये सब चीज़ें हमें डेवलप करनी है। और इसका रीज़न ये भी रहा कि हमारी कंट्री मोस्टली डिपेंडेंट है मॉनसून पे, और कई बार क्या होता है कि मॉनसून आगे हम पढ़ेंगे, मॉनसून ना आए या देर से आए या जल्दी आ जाए तो फ्लड्स, ड्राउट्स, ये सब बहुत कॉमन रहते हैं। इसलिए इरिगेशन प्रॉपर होना मस्ट है फॉर एन एग्रेरियन इकोनॉमी। तो इसलिए इसको हाई प्रायोरिटी दी गई। नेक्स्ट इज इंडियाज वाटर डिमांड इज प्रेजेंटली डोमिनेटेड बाई इरीगेशनल नीड्स। तो देखिए 1 mark में आ सकता है, पूछा जा सकता है कि एट प्रेजेंट हमारी वाटर डिमांड किस चीज से डोमिनेटेड है, क्या वो इरीगेशनल नीड्स हैं या वो इंडस्ट्रियल नीड्स हैं या हमारी डोमेस्टिक नीड्स हैं। तो इट इज डोमिनेटेड बाई इरीगेशनल नीड्स, क्योंकि हमारी कंट्री में एग्रीकल्चर इतना प्रैक्टिस किया जाता है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स। देखिए इनको आपको आपकी जो NCERT है उसमें आपको सिर्फ इनाम दिए थे, भाखड़ा, नांगल, हीराकुड, दामोदर, बट मैं आपको इनकी कौन सी रिवर पे है एंड कौन से स्टेट पर ये भी बताऊंगा। तो सबसे पहले आपका भाखड़ा नांगल, भाखड़ा नांगल इस आपका जो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है वो आपका सतलुज रिवर पे है इन हिमाचल प्रदेश। सेकेंड इज हीराकुड, हीराकुड आपका महानदी रिवर पे है इन ओडिशा। थर्ड इज दामोदर वैली, दामोदर वैली आपका दामोदर रिवर, सौरव बंगाल जिसे कहा जाता है, इन वेस्ट बंगाल। इस साइड में आपके दो पाई चार्ट्स हैं जो आपके NCERT बुक में गिवन हैं, और इनको देख लीजिए क्योंकि इस बार के सैंपल पेपर में गिवन थे, CBSE ने दिए थे सैंपल पेपर में, तो उनको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड टेबल एंड पाई डायग्राम्स आपको दिए जाएंगे एग्जाम में, बस उनसे कुछ बेसिक क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। लाइक आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर सर्फेस वाटर विदड्रॉल, तो आपसे क्वेश्चन आएगा कि विच सेक्टर यूजेस ग्राउंड वाटर एंड सर्फेस वाटर द हाईएस्ट। तो आप दोनों उसमें देखिए, सर्फेस वाटर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो सर्फेस वाटर को 89% यूज कर रहा है, एंड ग्राउंड वाटर को कौन सा सेक्टर सबसे ज्यादा यूज कर रहा है, इट इज एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा दोनों, सर्फेस वाटर मतलब लेक्स, पॉन्ड्स, रिवर, उसको भी एग्रीकल्चर सेक्टर सबसे ज्यादा यूज करता है, एंड ग्राउंड वाटर को भी सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर सेक्टर यूज करता है। ग्राउंड वाटर आपका एक्सट्रैक्ट किया जाता है थ्रू वेल्स एंड ट्यूब वेल्स। और दूसरे सेक्टर्स का देख लीजिए आप, सरफेस वाटर में डोमेस्टिक लोग जो हैं, डोमेस्टिक जो डोमेस्टिक सेक्टर है, घरेलू लोग, मतलब एक तरह से आप कहें तो रेजिडेंशियल, अपने खुद के पर्पज के लिए, यूज के लिए जो लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं सर्फेस वाटर को, दे आर 9%। एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज के लिए जो एक्सट्रैक्ट किया जाता है सर्फेस वाटर को, इट इज 2%। एंड ग्राउंड वाटर में डोमेस्टिक 3% एंड इंडस्ट्रियल 5%। तो आपसे सिंपल क्वेश्चन यही पूछे जाएंगे जो मैंने आपको बताए। पॉइंट आप देख सकते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर यूजेस ग्राउंड वाटर एंड सर्फेस वाटर द हाईएस्ट। सर्फेस वाटर में आपका 89% है एंड ग्राउंड वाटर में 92% है। सेकेंड पॉइंट देख लीजिए, इन फ्यूचर विद डेवलपमेंट द शेयर ऑफ डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर्स ऑफ कंट्री आर लाइकली टू इंक्रीज। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फ्यूचर में कौन से सेक्टर के चांसेस हैं अपना शेयर इंक्रीज करने के, तो दे आर डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर्स, क्योंकि एग्रीकल्चर धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, कम लोग प्रैक्टिस करते जा रहे हैं, इसलिए इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज हमारी बढ़ती जा रही है, इसलिए हो सकता है नियर फ्यूचर में इंडस्ट्रियल सेक्टर्स और डोमेस्टिक सेक्टर इनका कॉन्ट्रीब्यूशन या एक्सट्रैक्शन ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज और सर्फेस वाटर रिसोर्सेज का बढ़ जाए।
नेक्स्ट इज डिमांड ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन। तो इरिगेशन की डिमांड किस किस चीज के लिए की जाती है और क्यों की जाती है वो हम पढ़ेंगे। सबसे पहला इन एग्रीकल्चर वाटर इज मेनली यूज फॉर इरिगेशन। एग्रीकल्चर में हम बात करें तो पानी का जो मेन यूज है इट इज फॉर इरिगेशन, क्रॉप्स की सिंचाई करने के लिए, क्योंकि वाटर यू ऑल नो कि प्लांट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चाहे वीट की बात करें, राइस की बात करें, सबको वाटर चाहिए पड़ता है। सेकेंड इज नीडेड ड्यू टू स्पेशियो टेम्पोरल वेरिएबिलिटी इन रेनफॉल इन द कंट्री। तो आप सबको लग रहा होगा कि स्पेशियो टेम्पोरल वेरिएबिलिटी बहुत बड़ा शब्द आ गया, शब्द बड़ा है, बट इसका मतलब बहुत इजी है। स्पेशियो टेम्पोरल वेरिएबिलिटी की मैं बात करूँ तो स्पेशियो टेम्पोरल का मतलब होता है ओवर स्पेस एंड टाइम। कि इरिगेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है हमारी कंट्री में क्योंकि हमारी कंट्री में रेनफॉल की स्पेशियो टेम्पोरल वेरिएबिलिटी है। इसका मतलब आप समझिए कि स्पेस और टाइम की वेरिएबिलिटी है। ऐसा है कि एक समय में टाइम की मैं बात करूँ तो हो सकता है एक रीजन पे इस टाइम पे बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है और दूसरे रीजन में बारिश हो ही नहीं रही है, बिल्कुल ड्राउट पड़ा हुआ है। तो टाइम की वेरिएबिलिटी है और स्पेस की मतलब राजस्थान का आप एरिया देखेंगे, राजस्थान का एरिया बहुत कम बारिश मिलती है पूरे साल में, लेस देन अबाउट 50 सेंटीमीटर 150 सेंटीमीटर बहुत कम रेनफॉल है राजस्थान में। और बात करें आप मेघालय में मौसिनरम की, वहाँ द वेटेस्ट प्लेस ऑन द अर्थ मौसिनरम जो आपका है चेरापूंजी, बारिश पूरे साल भर रहती है। अबाउट 9 months जो आता है, 9 months जो मानसून रहता है वो वहाँ ट्रैप्ड रहता है, वहाँ मानसून की बारिश 9 महीने तक चलती रहती है, या आप कह सकते हैं पूरे साल भर बारिश होती रहती है। तो स्पेशियो टेम्पोरल वेरिएबिलिटी कि स्पेस के साथ कहाँ हो रही है, कौन से रीजन में हो रही है और टाइम में किस समय। कई रीजन्स में हो सकता है कि अभी बहुत तेज बारिश हो रही हो जब आप लेसन्स पढ़ रहे हैं, और कुछ रीजन्स ऐसे हैं जहाँ बिल्कुल पानी की एक तरह से किल्लत हो रही हो, लोगों को पानी की बहुत ज्यादा जरूरत हो रही हो और बारिश हो ही ना रही हो। तो इसलिए इरिगेशन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी कंट्री में क्योंकि स्पेस और टाइम की वेरिएबिलिटी है। थर्ड इज लार्ज पार्ट्स ऑफ कंट्री आर वाटर डेफिशिएंट एंड आर ड्राउट प्रोन। तो हमारी कंट्री में बहुत लंबे बड़े बड़े ऐसे पार्ट्स हैं, बहुत ज़्यादा ऐसे एरियाज हैं जहाँ जो वाटर डेफिशिएंट है, जहाँ पानी की बहुत कमी होती है एंड आर ड्राउट प्रोन। वहाँ कई साल जो होता है कि वहाँ अकाल पड़ जाता है या ड्राउट पड़ जाता है। नेक्स्ट इज विंटर्स एंड समर्स आर ड्राई इन मोस्ट पार्ट्स। और हमारी कंट्री में कई पार्ट्स ऐसे हैं जहाँ विंटर्स हो या समर्स हो बहुत ड्राई रहते हैं। अब आप सोचेंगे कि नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में तो हमने पढ़ा था कि नहीं विंटर रेनफॉल होती है, जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज होते हैं। देखिए इतना डीप में नहीं आना है, वो आपने फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ा था, उसका रीजन भी मैं बताऊंगा। वो होता है आपका मेडिटेरेनियन डिस्टर्बेंसेज की वजह से, जिस वजह से आपकी जो विंटर रेनफॉल होती है वो नॉर्थ पार्ट में होती है, आपके नॉर्दर्न इंडिया में होती है, वो आपकी वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज होती है इसलिए वो विंटर रेनफॉल होती है। बट मोस्ट ऑफ द पार्ट्स वो विंटर्स और समर्स में ड्राई रहते हैं। नेक्स्ट इज इरिगेशन शुड बी एंश्योर टू प्रैक्टिस एग्रीकल्चर। और एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करने के लिए इरिगेशन एक तरह से इंश्योर होनी चाहिए क्योंकि देखिए मानसून का कोई भरोसा नहीं रहता है। अगर मैं सिंपली बात करूं आपसे लेमन लैंग्वेज में, कई साल ऐसा होता है कि मानसून बहुत जल्दी आ जाता है। आप न्यूज़ वगैरह में सुनते होंगे जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं, जो न्यूज़ सुनना काफ़ी कॉमन है, आप न्यूज़ पेपर्स ही देखें तो आप लोगों ने देखा होगा कई साल क्या होता है कि मानसून जो होता है न्यूज़ में आता है कि मानसून लेट होगा इस साल या फिर इस साल जल्दी आ गया, तो इससे क्रॉप्स पे सीरियस इंपैक्ट पड़ता है। इससे इरिगेशन का होना बहुत important to practice agriculture. Last is water needs of certain crops are not fulfilled by monsoon alone, they need irrigation as well like rice and jute. तो water needs की हम बात करें तो देखिए कुछ crops ऐसी होती हैं like आपकी जो wheat है या फिर दूसरी दाल वगैरह है, हमने पढ़ा था agriculture chapter में, ये भी आपका revision हो रहा है इसलिए मैं कहता हूँ आप सारी videos देखिए। तो जितनी आपकी दालें वगैरह हों, pulses हों, उनको water बहुत कम चाहिए होता है इसलिए वो dry lands में उगाई जाती है। और वीट को भी इतना ज़्यादा पानी नहीं चाहिए होता है, आफ्टर ऑल इट इज़ अ रबी क्रॉप, तो इस वाटर इतना ज़्यादा नहीं चाहिए होता है। बट देयर आर सर्टेन क्रॉप्स, कुछ ऐसी क्रॉप्स होती हैं जिनकी जो वाटर नीड्स होती है, जितना उनको पानी की ज़रूरत है वो मानसून के द्वारा फुलफिल नहीं होती है। मान लीजिए बारिश अच्छी खासी हुई बट उनकी क्रॉप की एक तरह से उनमें खुद ही ऐसे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि उनको बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है, तो इसलिए उनको इरिगेशन भी चाहिए होती है मानसून के साथ साथ, लाइक राइस एंड जूट। राइस को बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है, आई होप आप सबको पता हुआ है। नेक्स्ट है एडवांटेजेस ऑफ इरिगेशन। इरिगेशन के हम एडवांटेजेस को कुछ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है इट मेक्स मल्टी क्रॉपिंग पॉसिबल। मल्टी क्रॉपिंग मतलब एक लैंड में कई सारी क्रॉप्स को एक साथ उगाना वो पॉसिबल हो जाता है इरिगेशन के कारण, क्योंकि अगर हमारे पास इरिगेशन है तो हम कई सारी क्रॉप्स एक लैंड पे उगा सकते हैं, क्योंकि हमें पता है ना कि मानसून आए ना आए हमें फर्क नहीं पड़ता, वी हैव इरिगेशन के सोर्स तो हम वहां से पानी ले सकते हैं। सेकंड इज इरिगेटेड लैंड्स हैव हायर प्रोडक्टिविटी। अब जो इरिगेटेड लैंड्स होती हैं ऐसा देखा जाता है, माना जाता है, कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस ने ये माना है कि जो इरिगेटेड लैंड्स होती हैं उनकी हायर प्रोडक्टिविटी होती है एज कंपेयर टू
वो लैंड्स विच आर डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल, क्योंकि देखिए इरिगेटेड लैंड्स को जब भी पानी चाहिए होता है, जैसे भी पानी चाहिए होता है, उनके पास 24/7 कभी भी जरूरत पड़े अवेलेबल है उनके लिए। बट मॉनसून का क्या है, वो उसका एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम है। लाइक हमारी कंट्री में जून टू सेप्टेम्बर रहता है मॉनसून, बट अगर मान लीजिए क्रॉप को उसके बियॉन्ड नीड हो, मान लीजिए कोई क्रॉप ऐसी जिसको अक्टूबर में पानी की जरूरत हो, तो इसलिए इरीगेशन एक तरह से बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एग्रीकल्चर में। और लैंड्स जो होती हैं जो जिनको इरीगेट किया जाता है, दे हैव हायर प्रोडक्टिविटी, वहाँ क्रॉप्स ज़्यादा प्रोड्यूस होती हैं। मतलब मान लीजिए एक मॉनसून की बारिश वाली लैंड है, उस पर आपका 5 किलो राइस प्रोड्यूस हो रहा है, तो आपकी वो लैंड जो इरिगेशन के द्वारा आप उसे राइस उगा रहे हैं या वीट उगा रहे हैं, वहां पर 15-20 kg राइस या वीट होगा। तो इरिगेटेड लैंड्स हैव हायर प्रोडक्टिविटी। थर्ड इज HYV क्रॉप्स रिक्वायर्स रेगुलर मॉइस्चर। तो हमारी कंट्री में जो ग्रीन रेवोल्यूशन आया 1965-66 के पीरियड के अराउंड, तो उसमें जो HYV क्रॉप, हाई यील्ड वैरायटी क्रॉप्स जो थी, मेनली राइस एंड वीट आया उस टाइम पर, तो ये जो क्रॉप्स थी इट रिक्वायर्स रेगुलर मॉइस्चर। जो एक तरह से हाइब्रिड सीड्स थी इनकी, इनको रेगुलर मॉइस्चर चाहिए था, इसलिए भी इरीगेशन जरूरी थी। नेक्स्ट इज मेड ग्रीन रेवोल्यूशन सक्सेसफुल, और इरीगेशन ही एक मेन रीजन था। आपने पढ़ा होगा कि पैकेज टेक्नोलॉजी ऑफ मतलब सीड्स वगैरह एंड टेक्नोलॉजी विद इरीगेशन, इरीगेशन एक मस्ट शब्द आता है उसमें, कि बहुत इंपॉर्टेंट रही इरीगेशन टू मेक ग्रीन रेवोल्यूशन अ सक्सेस। नेक्स्ट आप कुछ पॉइंट्स पढ़ सकते हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपसे हो सकता है वन मार्क में पूछे जा सकते हैं। तो मोर देन 85% ऑफ द नेट सोन एरिया इज अंडर इरीगेशन इन पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न यूपी। तो आ सकता है आपसे कि कौन से ऐसे एरियाज हैं 85% से ज्यादा नेट सोन एरिया, नेट सोन एरिया वो एरिया होता है जहां पर आप क्रॉप्स उगाते हैं, जहां 85% से ज्यादा जो आपका एरिया होता है जहां आप कल्टीवेशन करते हैं इज अंडर इरिगेशन। तो वो स्टेट्स हैं आपके पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न यूपी। नेक्स्ट इज वीट एंड राइस आर टू क्रॉप्स ग्रोन मेनली बाय इरिगेशन इन पंजाब एंड हरियाणा। थर्ड इज ऑफ द टोटल नेट इरिगेटेड एरिया 76.1% इन पंजाब एंड 51.3% आर इरिगेटेड थ्रू वेल्स एंड ट्यूब वेल्स, विच शोज दैट दीज स्टेट यूटिलाइज लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ ग्राउंड वाटर। तो ये देखिए ये पॉइंट्स मैंने इसलिए डाले क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जब आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं होते थे तब ये पूछे जा चुके हैं, चाहे वो फिल इन द ब्लैंक का फॉर्म हो या फिर जनरली ऐसे पूछे जा चुके हैं। तो आपको ध्यान में रखना है कि पंजाब एंड हरियाणा में जो टोटल नेट इरिगेटेड एरिया है उसमें सबसे ज्यादा जो होता है वेल्स एंड ट्यूबवेल्स से आपका इरिगेट किया जाता है। तो आई होप आपको क्लियर हुआ हो। नेक्स्ट है ओवर यूज ऑफ ग्राउंड वाटर हैज लेड टू डिक्लाइन इन ग्राउंड वाटर टेबल। तो जितना ज्यादा हम ग्राउंड वाटर को यूज करते जा रहे हैं थ्रू वेल्स एंड ट्यूब वेल्स, उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट ये है कि जो हमारी ग्राउंड वाटर टेबल है, जो जमीन के अंदर पानी की अवेलेबिलिटी है, वो डे बाय डे कम होती जा रही है। सेकंड इज इंटेंसिव इरिगेशन हैज रिजल्टेड इन द इंक्रीज इन सैलिनिटी इन सॉइल, ऑल्सो डिप्लीशन ऑफ ग्राउंड वाटर टेबल। तो जो इंटेंसिव इरिगेशन है, जो कुछ किसान हैं जो अवेयर नहीं है इस बारे में, जो फार्मर्स हैं दे आर नॉट अवेयर अबाउट इट, कि वो कई ज्यादा इरिगेशन कर देते हैं। क्रॉप की नीड से ज्यादा आप अगर इरिगेट कर दो, क्योंकि अति किसी की चीज़ की भी अच्छी नहीं होती जैसा हम हिंदी में कहते हैं, तो वाटर क्रॉप की भी एक अपनी एक लिमिट है। अगर उसको ज़्यादा हम इरीगेट कर देंगे तो उससे क्या होगा कि वो क्रॉप भी खराब होगी और उसके साथ जो सॉइल होगी उसमें सॉल्ट का कंटेंट बढ़ेगा और इससे क्या होगा कि ग्राउंड वाटर टेबल जो होगी वो भी डिप्लीट होगी, क्योंकि हम ज़्यादा से ज़्यादा पानी का यूज़ कर रहे हैं। उससे क्या होगा, क्योंकि रूरल एरियाज़ में क्या होता है कि मोस्टली वेल्स ट्यूबवेल्स का ही यूज़ किया जाता है, एंड अगर हम इंटेंसिव इरीगेशन करेंगे हद से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा जितनी ज़रूरत भी नहीं है, तो उससे ग्राउंड वाटर टेबल भी कम होगी। थर्ड आपका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आप कह सकते हैं वन मार्क में पूछा जा सकता है, कि वो कौन सा स्टेट है जहां जो नेट इरिगेटेड एरिया है, मतलब टोटल जो इरिगेटेड एरिया है वो सबसे ज्यादा ट्यूबवेल्स एंड वेल्स के द्वारा किया जाता है। सो इट इज गुजरात। गुजरात एक ऐसा स्टेट है जहां सबसे ज्यादा इरिगेशन की जाती है थ्रू ट्यूबवेल्स एंड वेल्स। आई होप आपको क्लियर हुआ हो। नेक्स्ट हम बात करेंगे इमर्जिंग वाटर प्रॉब्लम्स की। तो सबसे पहला पॉइंट है आपका पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज ड्विंडलिंग डे बाय डे ड्यू टू इंक्रीज इन पॉपुलेशन। तो इसको आप एग्जांपल के साथ समझते हैं। पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर का मतलब होता है कि पर पर्सन कितना वाटर अवेलेबल है, वो कम होते जा रहा है क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एग्जाम्पल से समझाऊंगा बहुत ईजी पड़ेगा, आपको लर्न भी रहेगा, रिवाइज भी रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। तो मान लीजिए किसी एरिया में 5 लोग रहते हैं और वाटर अवेलेबिलिटी 10 लीटर्स है, तो पर पर्सन कितनी हुई 2 लीटर्स। 5 लोग रह रहे हैं, 10 लीटर पानी अवेलेबल है, तो हर एक पर्सन को 2 लीटर पानी मिलेगा। अब मान लीजिए पॉपुलेशन बढ़ के आपके 10 लोग हो गई, 10 लोग हो गए, अब 10 लोग हो गए और पानी वही रहा, 10 लोग हो गए और 10 लीटर पानी है। पहले तो 5 लोग थे तो 2 लीटर हर एक इंसान को मिल रहा था, बट अब क्या हुआ, अब हुआ कि 10 लीटर पानी है और 10 लोग भी हो गए,
तो उससे क्या हुआ, पर कैपिटा अवेलेबिलिटी, पहले एक एक व्यक्ति को 2 लीटर पानी अवेलेबल था, अब कितना होगा 1 लीटर। तो वही पॉइंट है कि पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर कम होती जा रही है ड्यू टू इंक्रीज इन पॉपुलेशन। सेकंड इज अवेलेबल वाटर रिसोर्सेज आर गेटिंग पोल्यूटेड विद इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर एंड डोमेस्टिक एफ्लुएंट्स। तो हमारे जितने भी अवेलेबल वाटर रिसोर्सेज हैं, चाहे वो रिवर्स हो, पॉन्ड्स हो, लेक्स हो, आप सब देख सकते हैं अपने आसपास अगर आपके रीजन में कोई हो, तो दे आर गेटिंग पोल्यूटेड ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज। हम जितना भी इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट उसमें डालते हैं, इंडस्ट्रियल वेस्ट हम उस पर डाल रहे हैं, यमुना रिवर हो, गंगा रिवर हो, हमने कितनी पॉल्यूट कर दी है, समझिएगा इस बात को। एग्रीकल्चर एंड डोमेस्टिक एफ्लुएंट्स को हम डालते जा रहे हैं उस पर, एंड इससे क्या हो रहा है, रिवर्स पॉल्यूट हो रही है, और इससे जो हमारी वाटर अवेलेबिलिटी होगी वो भी कम होती जा रही है, क्योंकि पॉल्यूटेड वाटर को आप कंज्यूम नहीं कर सकते। थर्ड इज अवेलेबिलिटी ऑफ यूजेबल वाटर इज श्रिंकिंग। इसका रीजन यही है कि जो हम पॉल्यूशन करते जा रहे हैं, हम फ्रेश वाटर रिवर्स में, यमुना, गंगा, इनमें अपना इंडस्ट्रियल वेस्ट और डोमेस्टिक वेस्ट डालते जा रहे हैं, इससे जो यूजेबल वाटर की अवेलेबिलिटी है, जिसको हम यूज कर सकते हैं, जिसको हम पी सकते हैं पानी को, उसकी अवेलेबिलिटी कम होती जा रही है। नेक्स्ट है आपका डिटीरियोरेशन ऑफ वाटर क्वालिटी। डिटीरियोरेशन ऑफ वाटर क्वालिटी सिंपल सा मतलब है वाटर क्वालिटी कम होना या फिर खराब होना। सबसे पहला पॉइंट है इट रेफर्स टू प्योरिटी ऑफ वाटर। ये बात हो रही है आपकी वाटर क्वालिटी, तो वाटर क्वालिटी का मतलब होता है कि पानी कितना साफ है आपका एंड विदाउट अनवॉन्टेड सब्सटेंसेज। सेकेंड इज, अब बात हो रही है जो आपके अनवॉन्टेड सब्सटेंसेज होते हैं, चाहे वो पानी में आपके माइक्रोब्स हों या पोल्यूटेंट्स हों, दे पोल्यूट ग्राउंड वाटर एंड अफेक्ट एक्वेटिक लाइफ एज वेल। कितने सारे जो हमारी मरीन लाइफ थी, कितने सारे ऐसे एक्वेटिक एनिमल्स थे जो अब इंडेंजर हो चुके हैं ड्यू टू दीज अनवॉन्टेड सब्सटेंसेज। थर्ड इज गंगा एंड यमुना आर टू हाईली पोल्यूटेड रिवर्स इन द कंट्री। और सबसे ज्यादा आपकी पोल्यूटेड रिवर है, आप कमेंट बॉक्स में आंसर कर सकते हैं, ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं एमसीक्यू वीडियो में। नेक्स्ट इज वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट। तो वाटर को कंजर्व कैसे किया जाए एंड उसको मैनेज कैसे किया जाए। सबसे पहला पॉइंट है आपका अवेलेबिलिटी ऑफ फ्रेश वाटर इज डिक्लाइनिंग एंड इट्स डिमांड इज इंक्रीजिंग। तो बहुत स्टार्टिंग से पढ़ते जा रहे हैं हम कि फ्रेश वाटर की जो अवेलेबिलिटी है वो कम होती जा रही है एंड जो डिमांड है वो इंक्रीज होती जा रही है ड्यू टू इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। सेकेंड इज नीड टू कंजर्व एंड इफेक्टिवली मैनेज वाटर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और अगर हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है, अगर हमें अपने रिसोर्सेज को बचाना है फ्यूचर जनरेशन के लिए, तो हमें जरूरी है वाटर को कंजर्व करना और उसे इफेक्टिवली मैनेज करना, फालतू में पानी को बर्बाद नहीं करना है हमें। थर्ड इज वी कांट अवेल वाटर फ्रॉम सी और ओशियन ड्यू टू हाई कॉस्ट ऑफ डीसैलिनाइजेशन। तो एक और बात है कि हम सोचते हैं कि सी और ओशियन में पानी तो 71% है, हम टेक्नोलॉजी लगा के उसे डीसैलिनाइज कर देंगे। बट अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया में डीसैलिनाइज करने की टेक्नोलॉजी नहीं है, नहीं इन द सेंस कि हम उसे यूज नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत ज्यादा कॉस्ट करती है वो। तमिलनाडु एक स्टेट है जिसकी मैं आपको बात बताऊँ, वहाँ डीसैलिनाइजेशन किया जाता है क्योंकि पानी की काफी ज्यादा कमी रहती है वहाँ पर, कावेरी डिस्प्यूट भी मैंने आपको बताया था। तो हम सी और ओशन से पानी इसलिए अवेल नहीं कर सकते क्योंकि डीसैलिनाइजेशन की कॉस्ट काफी ज्यादा होती है। डीसैलिनाइज करने का मतलब क्या होता है कि जैसे सी और ओशन का पानी है, हम उसको उससे नमक को यानी सॉल्ट को सेपरेट करके उसे फ्रेश वाटर में कन्वर्ट करते हैं। इसराइल की टेक्नोलॉजी है, इसराइल में काफी यूज की जाती है। इसराइल में आपको बता दूं बारिश इतनी ज्यादा नहीं होती, बट वो सी और ओशन से ही डीसैलिनाइज करके उन्होंने टेक्नोलॉजी ऐसी बना रखी है कि वो वाटर अवेल करते हैं और वहां पानी की स्कार्सिटी नहीं होती है। बट हम ये नहीं कर सकते ड्यू टू हाई कॉस्ट ऑफ डीसैलिनाइजेशन। नेक्स्ट इज वाटर सेविंग मेथड्स एंड टेक्नोलॉजीज नीड टू बी मेड फॉर कंजर्वेशन। हमें वाटर सेविंग मेथड्स लाने हैं, हमें पानी को बर्बाद नहीं होने देना है, हमें अवेयरनेस फैलानी है और टेक्नोलॉजी लानी है जिससे वाटर कंजर्व किया जा सके। हमें ऐसी टेक्नोलॉजी लानी है कि जिससे आपका जो बचा हुआ पानी हो वो आप दोबारा यूज करें, मतलब आपने एक बार उसे यूज कर लिया फॉर बेथिंग, हम उसे दोबारा एक तरह से किसी टेक्नोलॉजी के द्वारा कुछ ऐसा सिस्टम लाएं कि वो दोबारा किसी और चीज में यूज हो जाए। नेक्स्ट इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड वाटर शेड डेवलपमेंट शुड बी इंश्योर्ड। हमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग करनी है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग आप सब बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब होता है कि अपनी छत में कोई ऐसा स्ट्रक्चर बना देना जिससे आप जो बारिश का पानी है आप उसको इकट्ठा कर लें एंड उसको दोबारा किसी और चीज में यूज करें। कई लोग क्या करते हैं कि बारिश के टाइम पे जो अवेयर होते हैं, जो एक तरह से दे आर वेल अवेयर ऑफ द फैक्ट कि अगर हम जितना ज्यादा कंजर्व करेंगे वाटर को उतना ज्यादा अच्छा रहेगा, वो अपनी छतों में ऑन देयर टेरेसेस वो क्या करते हैं कि एक कोई बर्तन ले लीजिए या फिर कोई ऐसी चीज ले लीजिए, कोई टैंक रख देते हैं एंड दे कलेक्ट द रेन वाटर। बारिश के सीजन में वो पानी कलेक्ट करते हैं एंड उसको बॉइल करके यूज करते हैं क्योंकि उनको पता है कि पानी एक लिमिटेड सोर्स है। एंड आप भी कीजिएगा अगर आप नहीं करते हैं तो, क्योंकि ध्यान में रखिएगा पानी का कंजर्वेशन मस्ट है। एंड वाटरशेड डेवलपमेंट की हम बात करें तो नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे वाटरशेड डेवलपमेंट क्या होता है। नेक्स्ट इज प्रिवेंशन ऑफ वाटर पोल्यूशन। तो सबसे पहला पॉइंट है आपका सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड विद स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड मॉनिटर्स वाटर क्वालिटी ऑफ नेशनल एक्वेटिक रिसोर्सेज।
तो सीपी सीबी की हम बात करें तो कई लोग इसके बारे में जानते हैं, और जो लोग नहीं भी जानते हैं तो हमारे कंट्री के पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स हैं जो सब पॉल्यूशन को मॉनिटर करती हैं, चाहे वो एयर हो, वाटर हो, लैंड हो, इन सब चीज़ों को मॉनिटर करती है। सीपीसीबी आपका एक अच्छी इन्फॉर्मेशन या फिर एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूँ जिससे आप बेनिफिट रहेंगे, एनसीईआरटी में आपको गिवन नहीं है, कि सीपीसीबी आपका एस्टेब्लिश हुआ था 1974 में, या फिर फॉर्म हुआ था आपका 1974 में, और सीपीसीबी आपका सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के साथ वर्क करता है वाटर क्वालिटी को मॉनिटर करने के लिए। जैसे आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के साथ वर्क करती है, वैसे आपका जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है वो एसपीसीबी स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के साथ मिलकर वर्क करता है एंड मॉनिटर्स द वाटर क्वालिटी की नेशनल एक्वेटिक रिसोर्सेज, लाइक जैसे गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, ये नदियां हैं, इनकी वाटर क्वालिटी कैसी है, मतलब पॉल्यूटेंट्स का लेवल क्या है, इन सब वाटर क्वालिटी को मॉनिटर करता है। सेकंड इज पब्लिक अवेयरनेस एंड एक्शन कैन बी वेरी इफेक्टिव इन रिड्यूसिंग पॉल्यूटेंट्स फ्रॉम एग्रीकल्चर, डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज। सेकेंड पॉइंट में कह रहा है कि हमें पब्लिक अवेयरनेस लानी है, हमें लोगों को अवेयर करना है, हमें जो फार्मर्स हैं उनको अवेयर करना है, जो डोमेस्टिक लोग हैं जो घर पे अपना ज़्यादा से ज़्यादा पानी यूज़ करने की सोचते हैं उनको अवेयर करना है, उन इंडस्ट्रीज़ को अवेयर करना है जो वाटर पे एक तरह से अपना पोल्यूशन बहुत ज़्यादा करती हैं, अपने जो एफ्लुएंट्स होते हैं इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स जिसे हम कहते हैं उनको बहुत ज़्यादा वाटर में डिस्चार्ज करती हैं, उनको अवेयर करना है, एक्शन लेना है उनके खिलाफ अगर वो मानते नहीं है, हमें उन्हें अवेयर करना है, हमें किसानों को अवेयर करना है कि वो पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स अपने ना यूज करें अपने फील्ड्स पे, लोगों को अवेयर करना है कि वो वाटर को पल्यूट ना करें, वाटर को लाइक कहीं पर आप जा रहे हैं, कोई रिवर देखते हैं, आप रिक्रिएशनल एक्टिविटी, आप पिकनिक पे जा रहे हैं किसी रिवर के किनारे, आप उस रिवर को गंदा ना करें, हमें लोगों को अवेयर करना है, एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज को भी अवेयर करना है कि आप अपना जो वेस्ट है वो रिवर में डिस्चार्ज नहीं कर सकते, हमें एक्शन भी लेने हैं, तो इट कैन सिग्निफिकेंटली रिड्यूस वाटर पॉल्यूशन। थर्ड इज लेजिस्लेटिव मेजर्स लाइक वाटर एक्ट 1974, वाटर सेस एक्ट 1977 एंड एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 शुड बी इम्प्लीमेंटेड इफेक्टिवली। तो ये सरकार द्वारा लिए गए कुछ लेजिस्लेटिव मेजर्स हैं, लाइक वाटर एक्ट जो आपका 1974 में आया, वाटर सेस एक्ट, सेस का मतलब होता है एक ऐसा टैक्स या चार्ज आपके जो गवर्नमेंट आपसे लेती है, बट ये एक्सक्लूसिवली यूज होता है उस पर्पस के लिए जिसके लिए लिया जा रहा है। मान लीजिए आपका एजुकेशन सेस है, आपसे एजुकेशन सेस 2% लिया जा रहा है, तो एजुकेशन सेस अगर आपसे 2% लिया जाता है तो सरकार जो आपसे सेस ले रही है वो एक्सक्लूसिवली आपका एजुकेशन पर्पस में ही यूज करेगी, लाइक इनकम टैक्स आप देते हैं उसमें एक्सक्लूसिव कुछ नहीं हो सकता है, गवर्नमेंट उसे कहीं भी डेवलपमेंट एक्टिविटीज में यूज कर सकती है, बट आपको जो सेस होता है वो स्पेसिफिक पर्पस के लिए जिसलिए वो लिया जा रहा है उसी के लिए यूज किया जाता है, वाटर सेस एक्ट है तो वो वाटर के लिए, वाटर के इंप्रूवमेंट के लिए यूज किया जाएगा, एंड एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 शुड बी इम्प्लीमेंटेड इफेक्टिवली। अब हमारी कंट्री में ये नियम कायदे कानून तो हैं, बट ये इम्प्लीमेंटेड इफेक्टिवली जो लाइन आती है इसका मतलब ये है कि ये हैं बट ये आज भी ये फॉलो नहीं हो रहे, कई लोग इन्हें नहीं मानते, तो हमें इन्हें इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करना है, हमें ऐसे एक्शंस लेने, हमारे ब्यूरोक्रेट्स, हमारे सिविल सर्वेंट्स और जितने भी आप लोग हैं जो फ्यूचर सिविल सर्वेंट्स हैं, फ्यूचर आईएएस ऑफिसर्स हैं, आईपीएस ऑफिसर्स हैं, आपको ये ध्यान में रखना है, आप पॉलिसी फॉर्मुलेटर्स हैं, कि इन सारे जितने भी लेजिस्लेटिव मेजर्स जो मैं आपको आज पढ़ा रहा हूँ आपको अच्छे से इंप्लीमेंट करने हैं। नेक्स्ट इज वॉटरशेड डेवलपमेंट, वाटर रिसाइकलिंग एंड रीयूज शुड बी एनकरेज्ड। और जो वाटरशेड डेवलपमेंट है, वाटरशेड डेवलपमेंट, वाटर रिसाइकलिंग एंड रीयूज शुड बी एनकरेज्ड। वाटरशेड डेवलपमेंट की बात करूं तो वाटरशेड आपका वो एरिया होता है जो एक तरह से रिवर बेसिन को सराउंड करता है और थोड़ा ऊपर होता है, जैसे रिवर बेसिन है आपका उससे थोड़ी ऊंचाई में जो लैंड एरिया होता है उसको हम वाटरशेड कहते हैं, तो इसका हमें डेवलपमेंट करना है, वाटरशेड डेवलपमेंट करना है, हमें वाटर रिसाइकल करना है, अगर एक बार आपका वेस्ट वाटर है आप उसे दोबारा यूज कीजिए, रीयूज करना है, शुड बी एनकरेज। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट हैज ऑल्सो लॉन्च प्रोग्राम्स लाइक नमामि गंगे टू कर्ब वाटर पॉल्यूशन। तो आप ये पॉइंट्स अगर लिख देंगे एग्जामिनर के सामने, आप ये लिख देंगे वाटर पोल्यूशन में, क्योंकि आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ, ध्यान रखिएगा, बट पहले आपको क्या है एनसीईआरटी के पॉइंट्स कोट करने, लास्ट के पॉइंट आप अपने मन से लिखेंगे, आप ऐसे लिख सकते हैं लाइक नमामि गंगे गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, या आप लिख सकते हैं कि वाटर पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए कोई और आपके दिमाग में है कि कोई और प्रोग्राम गवर्नमेंट ने लॉन्च किया, तो आप उसे लिखेंगे तो आपको मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि आपकी आंसर शीट डिफर करेगी और उसे, एंड सो गवर्नमेंट हैज लॉन्च प्रोग्राम्स लाइक नमामि गंगे टू कर्ब वाटर पोल्यूशन। लास्ट इज मेथड्स ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग, तो ध्यान में रखिएगा रेन वाटर हार्वेस्ट करने के चार तरीके हैं आपके, फर्स्ट इज थ्रू रिचार्ज वेल्स, हम ऐसा करें कि रिचार्ज वेल्स को यूज करें, जो वेल्स हैं वो जल्दी से रिचार्ज हो जाते हैं, जो फर्स्ट ये आपका रेन वाटर हार्वेस्टिंग का तरीका था। सेकंड सर्विस वेल्स, थर्ड इज वाटरशेड मैनेजमेंट, एंड फोर्थ इज लेक्स, इसकी एक पिक्चर मैं आपको दिखाऊंगा नेक्स्ट स्लाइड में तो आपको क्लियर हो जाएगा।
तो ये पिक्चर्स की मैं बात कर रहा था लास्ट स्लाइड में कि मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा हार्वेस्टिंग के बारे में, चार जो मेथड्स हैं उसके। तो सबसे पहले पिक्चर नंबर वन में आप देख सकते हैं हार्वेस्टिंग थ्रू सर्विस वेल्स। तो देखिए सर्विस वेल्स क्या होते हैं, जो हम खुद बनाते हैं जमीन पर, एक तरह के लाइक हमारे घर में टैंक्स वगैरह होते हैं पानी के पर्पज को सर्व करने के लिए, हमारे वाटर नीड्स को। तो इसी तरह से हम ग्राउंड में एक बनाते हैं एक स्ट्रक्चर सर्विस वेल का, सीमेंटेड स्ट्रक्चर आप कह सकते हैं, उसमें हम पानी को स्टोर करते हैं। जैसे बारिश हुई, हमने रूफ से अपनी छत से कलेक्ट किया पानी एंड हम उस टैंक में डाल देते हैं, अंडरग्राउंड में एक टैंक प्रॉपर हम बनाते हैं। सेकंड आपका है हार्वेस्टिंग थ्रू रिचार्ज वेल्स। अब रिचार्ज वेल्स में क्या होता है, रिचार्ज वेल्स जैसे रिचार्ज रिप्लेनिशेबल मैंने बात की थी ग्राउंड वाटर की, तो इसमें हम ऐसा एज सच कोई डग आउट नहीं करते। हम इसमें क्या करते हैं कि ग्राउंड वाटर जैसे हमने रूफ से कलेक्ट किया, हम क्या करते हैं कि ग्राउंड में एक गड्ढा करते हैं या फिर हम इसे डक करते हैं और उसमें हम पानी के पाइप को डाल देते हैं। इससे क्या होता है कि जो ग्राउंड वाटर टेबल है वो रिचार्ज हो जाती है। इन शॉर्ट सर्विस वेल्स में क्या होता है कि हम टैंक्स वगैरह बनाते हैं ग्राउंड पे प्रॉपर सीमेंटेड वगैरह, एंड रिचार्ज वेल्स में हम क्या करते हैं कि डायरेक्टली रूफ टॉप में जो बारिश छत पानी आया हम उसको पाइप के थ्रू ग्राउंड में डाल देते हैं थ्रू बाय फिल्टरिंग। फिल्टर जरूर किया जाता है इसको, सैंड फिल्टर, क्योंकि उसमें कई सारी ऐसी इंप्योरिटीज होती हैं, अगर हम उसे ना करेंगे दिक्कत हो जाएगी वरना उसे यूज करने में। थर्ड है आपका हार्वेस्टिंग थ्रू वाटरशेड मैनेजमेंट। तो इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि इस तरह के स्टोन वॉल्स बना रखे हैं यहाँ पर, ताकि वाटर अपने फ्लो से ना इधर उधर ना हो और एक प्रॉपर उसमें बहता रहे। और ये स्टोन वॉल्स के बाद यहाँ पर एक चेक डैम है, ये आपका वाटरशेड मैनेजमेंट के थ्रू हार्वेस्टिंग कर रखी है। सिंपली समझिए, इतना ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, आपको बस नाम लर्न कर लेने हैं, हार्वेस्टिंग थ्रू सर्विस वेल्स, रिचार्ज वेल्स, थ्रू वाटरशेड मैनेजमेंट एंड थ्रू लेक्स। आई होप आपको क्लियर हुआ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वाटरशेड डेवलपमेंट। मेन टॉपिक डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा वाटरशेड के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर आप एक पिक्चर देख सकते हैं, तो सिंपली आप देखिए वाटरशेड क्या है इसमें। दिस इज माउथ ऑफ द रिवर, यहाँ से मतलब जो आपकी रिवर होती है वो दूसरे सोर्स में मिल रही होती है, लाइक ये आपकी रिवर है, दिस इज योर रिवर, आई एम मार्किंग इट विथ आर। ये आपकी सी या ओशन में जाके मिल रही है, सी में जाके मिल रही है, दिस इज एस। तो ये आपकी माउथ ऑफ रिवर है, माउथ ऑफ रिवर मतलब एक ऐसी जगह होती है जहाँ से एक रिवर दूसरी किसी वाटर बॉडी में मिल रही होती है, तो दिस इज माउथ ऑफ रिवर। कॉन्फ्लुएंस की हम बात करें तो एक तरह से जो आपका कॉन्फ्लुएंस मिल रही है यहाँ पर दो नदियाँ, तो दिस इज योर कॉन्फ्लुएंस। जैसे हमारे कंट्री में जितने भी प्रयाग हैं लाइक कर्ण प्रयाग, रुद्रप्रयाग, इन सब जगहों पे क्या होता है कॉन्फ्लुएंस है, दो रिवर्स मिलती हैं। मेन रिवर चैनल है आपका, मेन रिवर चैनल है मतलब यहाँ से रिवर फ्लो के आ रही है, एंड दिस इज सोर्स ऑफ रिवर, ये आपका मेन सोर्स ऑफ रिवर है, यहाँ से पानी आपका आ रहा है। ये आपकी सारी ट्रिब्यूटरीज हैं जो मैंने बताया था, जो रिवर की अलग अलग छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज होती हैं वो एक साथ ज्वाइन करती हैं रिवर को। और अब हम आते हैं वाटरशेड पर। वाटरशेड क्या होता है कि जितना भी ये पूरा एरिया होता है, इंग्लिश में मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी एरिया ऑफ हाईलैंड सराउंडिंग रिवर बेसिन, तो ध्यान रखिए जितना भी ये है ये पूरा एरिया आपका रिवर बेसिन है। यहाँ से पूरा जो आपका ये एरिया है माउथ रिवर, ये सब जितनी भी चीजें आपने पढ़ी अब तक ये सब आपकी एक तरह से रिवर बेसिन है। और ये जो आपने यहाँ पर आप देख सकते हैं डॉटेड लाइन में मार्क्ड है, दिस इज योर वाटरशेड। वाटरशेड एक तरह से इस पूरे एरिया को सराउंड करने वाला एक एरिया होता है, मतलब जितना भी ये पूरा ड्रेनेज बेसिन जो उसको सराउंड करता है, एक हाईलैंड होता है जहां पर रिवर अपना पानी ड्रेन करती है, उस का जो सराउंडिंग हाईलैंड एरिया होता है उसको हम वाटरशेड कहते हैं। तो आई होप आपको वाटरशेड क्लियर हुआ हो। तो वाटरशेड की हम बात करें तो इट रेफर्स टू एफिशिएंट मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन ऑफ सरफेस एंड ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज। अब वाटरशेड डेवलपमेंट की हम बात करें, वाटरशेड डेवलपमेंट की डेफिनेशन है कि मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन ऑफ सरफेस एंड ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज। ये आपकी एक नैरो सेंस में, लाइक इकोनॉमिक्स में क्या होता है आपकी माइक्रो होती है और मैक्रो होती है। इकोनॉमिक्स के बच्चे आप नहीं भी हैं यानी आपकी इकोनॉमिक सब्जेक्ट नहीं भी है, तो क्या होता है कि हर एक कॉन्सेप्ट का एक नैरो व्यू होता है और एक ब्रॉड व्यू होता है। नैरो व्यू मतलब एक छोटे लेवल पर क्या है और एक बड़े लेवल पर क्या है। अगर हम वाटरशेड डेवलपमेंट की बात करें नैरो लेवल पे, एक छोटे लेवल पे समझने के लिए अगर आप समझो, तो इट रेफर्स टू एफिशिएंट मैनेजमेंट कि हमें सरफेस एंड ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज का जो हम एफिशिएंट मैनेजमेंट और कंजर्व करते हैं उसको हम वाटरशेड डेवलपमेंट कहते हैं। अगर हम ब्रॉड सेंस में, हम बड़े सेंस में बात करें इसकी, तो इट इंक्लूड्स कंजर्वेशन, रीजनरेशन एंड जुडिशियस यूज ऑफ ऑल नेचुरल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज विद इन अ वाटरशेड। वाटरशेड क्या होता है वो आप सबने पढ़ा, तो ब्रॉड सेंस में इसमें कंजर्वेशन, रीजनरेशन एंड जुडिशियस यूज ऑफ ऑल नेचुरल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज विद इन अ वाटरशेड आ जाता है। सेकंड पॉइंट पर हम आते हैं, इन्वॉल्व्स प्रिवेंशन ऑफ रन ऑफ
एंड स्टोरेज ऑफ ग्राउंड वाटर थ्रू रिचार्ज वेल्स। तो वाटरशेड डेवलपमेंट इन्वॉल्व करता है कि हम रन ऑफ को, जो पानी का रन ऑफ होता है, ऐसी पानी एक जगह से दूसरी जगह बह जाता है, उसको प्रिवेंट करें, मतलब एक तरह से वाटर को वेस्ट ना होने दें, एंड स्टोरेज ऑफ ग्राउंड वाटर थ्रू रिचार्ज वेल्स। हमने पिछले उसमें पढ़ा कि वाटर हार्वेस्टिंग हमें करनी है, तो वही है कि हमें ग्राउंड वाटर को स्टोर करना है थ्रू रिचार्ज वेल्स। थर्ड इज इट एम्स टू ब्रिंग बैलेंस बिटवीन नेचुरल रिसोर्सेज एंड सोसाइटीज, क्योंकि सोसाइटी में जो पॉपुलेशन है वो बढ़ती जा रही है, नेचुरल रिसोर्सेज आर वेरी लिमिटेड, सो वाटरशेड डेवलपमेंट एम्स टू ब्रिंग बैलेंस बिटवीन दीज टू। नेक्स्ट इज सक्सेस ऑफ वाटरशेड डेवलपमेंट डिपेंड्स अपॉन कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। वाटरशेड डेवलपमेंट की जो सक्सेस है कि कितना सक्सेसफुल रहेगा, ये होल सोल डिपेंड करता है कि कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, कि लोग कितना अवेयर हैं एंड वो कितना पार्टिसिपेशन देना चाहते हैं, वो कितना कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं इसके डेवलपमेंट में। नेक्स्ट इज इन ब्रॉड सेंस इट इंक्लूड्स कंजर्वेशन, रीजनरेशन एंड जुडिशियस यूज ऑफ ऑल नेचुरल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज विद इन अ वाटरशेड। तो वाटरशेड, आपने एक ट्रांसपेरेंट लाइन देखी थी, आप बैक करके देख सकते हैं प्रीवियस, उसमें हमने बात करी थी। तो वाटरशेड आपका एक जिसमें आपका पूरा रिवर बेसिन आ रहा था, उसके बाहर का जो एक आउटर कवरिंग थी वो आपका वाटरशेड था। वाटरशेड में आपके सारे ह्यूमन रिसोर्सेज हो, नेचुरल रिसोर्सेज हो, सब आते हैं। तो ब्रॉड सेंस में ये उनका कंजर्वेशन, चाहे वो पेड़ पौधे हो या कोई एक्वेटिक लाइफ हो, मरीन लाइफ हो, जितने भी जानवर हो, उन सबके कंजर्वेशन, रिजनरेशन एंड जुडिशियस यूज के बारे में कहता है वाटरशेड डेवलपमेंट में। ये स्लाइड आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क के पर्सपेक्टिव से भी एंड 3 मार्क के पर्सपेक्टिव और 5 मार्क का क्वेश्चन भी बन सकता है। ये है आपके वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। तो कुछ वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स जो आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। फर्स्ट इज हरियाली। हरियाली एक वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम है जिसको स्पॉन्सर करती है, जो एक सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, और इसका टारगेट है, इसका ऑब्जेक्टिव है कि रूरल पॉपुलेशन, जो गाँव के लोग हैं, उनको एक तरह से अवेयर किया जाए कि वो वाटर कंजर्व करें फॉर ड्रिंकिंग, इरिगेशन एक्सेट्रा। सेकंड इज नीरू मीरू। नीरू मीरू आपका इनिशिएट हुआ था आंध्र प्रदेश में। सेकंड है ये वाटर हार्वेस्टिंग प्रोग्राम है, इसका मेन एम है कि लोगों को बताया जाए कि वाटर हार्वेस्ट कीजिए आप, चाहे वो रूफटॉप हार्वेस्टिंग हो या किसी भी तरह से वाटर को बचाइए, वाटर को कंजर्व कीजिए। थर्ड इज अरवारी पानी संसद, इट वॉज इनिशिएटेड इन राजस्थान। सेकंड इसका भी मेन वही है कि वाटर हार्वेस्टिंग के लिए इसे बनाया गया। और स्टार में आप एक पॉइंट देख सकते हैं, तमिलनाडु हैज मेड वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स इन द हाउस कंपलसरी। तो 1 मार्क में बन सकता है कि विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज मेड वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स इन द हाउस कंपलसरी, सो इट इज तमिलनाडु। आई होप आपको क्लियर हुआ। ये था आपके वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के बारे में। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट हम बात करेंगे कुछ मेथड्स के बारे में जिनसे हम फ्रेश वाटर की अवेलेबिलिटी को बढ़ा सकते हैं या फिर इम्प्रूव कर सकते हैं। तो सबसे पहला आपका बाय रिसाइकल एंड रियूज, और इन पॉइंट्स को दिमाग में रखिएगा, हो सकता है आपका कोई 5 मार्क का क्वेश्चन बने। सबसे पहला पार्ट आपका कुछ और पूछे कि लाइक सबसे पहले आपसे पूछ ले कि वॉट इज वाटरशेड मैनेजमेंट, तो आपको 2 मार्क की उसकी डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी। फिर क्या पता सेकेंड पार्ट आपसे पूछ ले कि नेम सम मेथड्स टू इम्प्रूव फ्रेश वाटर अवेलेबिलिटी, एंड ध्यान रखिएगा इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनका वेटेज इस तरह से 2+3 या 3+2, तो इसलिए इन सब पॉइंट्स को लर्न कर लीजिएगा। सबसे पहले आपका बाय रिसाइकल एंड रियूज, हमें वाटर को रिसाइकल करना है। हाँ, अगर हम पानी कहीं पर भी यूज करते हैं तो हमें कोशिश करनी है कि हम उसे रिसाइकल करें और दोबारा यूज में लाएं। सेकंड इज वाटर ऑफ लेसर क्वालिटी कैन बी यूज्ड फॉर कूलिंग इन इंडस्ट्रीज एंड फायर फाइटिंग। तो जो फायर फाइटिंग डिपार्टमेंट होता है और इंडस्ट्रीज होती हैं, फायर फाइटिंग मान लीजिए कहीं पर अगर आग लग जाए तो वाटर का यूज करती है आग बुझाने के लिए। एंड इंडस्ट्रीज में क्या होता है, कई मशीन्स होती हैं जो रेगुलर यूज के बाद, या फिर अगर आप एक दिन में कई घंटों तक उन्हें चला दें तो वो एक तरह से गर्म हो जाती हैं, एंड ताकि उनके टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए उसमें वाटर का यूज किया जाता है। ये पॉइंट कह रहे हैं कि जो कम क्वालिटी का पानी है, मतलब विच इज नॉट सूटेबल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन या फिर हमारे पीने के लिए फिट नहीं है, उसको हम यूज कर सकते हैं फॉर कूलिंग इन इंडस्ट्रीज एंड फायर फाइटिंग। थर्ड इज वाटर आफ्टर बेथिंग कैन बी यूज फॉर गार्डनिंग। फोर्थ इज सच मेजर्स वुड कंजर्व बेटर क्वालिटी ऑफ वाटर फॉर ड्रिंकिंग यूज, दस इंप्रूविंग फ्रेश वाटर अवेलेबिलिटी। अगर हम इन मेथड्स को अप्लाई करेंगे, और मैं एक और बात कहूंगा, अगर आप 2-4 मेथड्स अगर आपके कुछ और हो आप वो भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ध्यान में रखिएगा इफ यू वॉन्ट टू स्कोर 100 इन ज्योग्राफी, आपको एग्जामिनर पे ऐसा इंप्रेशन बनाना है कि उसको लगेगा कि नहीं बच्चा, क्योंकि देखिए ये आपसे हमेशा आपके टीचर्स कहेंगे, एंड आई एम नॉट द फर्स्ट पर्सन टू से दिस, नीदर आई एम द लास्ट पर्सन, कि आपका जो एग्जामिनर होता है उसको ये नहीं पता कि आपने साल भर कैसा परफॉर्म किया है, उसको ये नहीं पता होता है कि आप अच्छे बच्चे हो या आपका पढ़ाई में इतना मन नहीं लगता है। उसके सामने बस आपकी एक शीट होती है एग्जाम की, आपके लिए वो हो सकता है ज्योग्राफी का रिजल्ट डिसाइड करे, बट उसके पास सिर्फ एक बंडल्स ऑफ पेपर है उसके लिए। तो आपको अपनी आंसर शीट डिफरेंशिएट करनी है। तो अगर क्या होगा कि एग्जामिनर आएगा, उसने सारे मेथड्स एनसीईआरटी के
लिखने जरूरी है, बट कुछ ऐसा रखिएगा अपनी आंसर शीट में जो डिफर करे। मैं हर वीडियो में बताता हूँ, तो अगर आप एक दो मेथड्स अपने मन से कुछ और भी ऐड कर सकें तो वेल एंड गुड, ऐड कीजिएगा। और अगर हम इन मेथड्स को अप्लाई करेंगे तो फ्रेश वाटर अवेलेबिलिटी बढ़ेगी। नेक्स्ट इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो ऑलरेडी हम काफी बात कर चुके हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग की। फर्स्ट पॉइंट इज, इट इज अ मेथड टू कैप्चर एंड स्टोर रेन वाटर फॉर वेरियस यूजेस। बहुत सिंपल है, पानी हमें इकट्ठा करना है रेन वाटर का फॉर वेरियस यूजेस, क्योंकि पानी की अवेलेबिलिटी बहुत कम है। सेकंड इज, इट इज ऑल्सो यूज टू रिचार्ज ग्राउंड वाटर एक्विफर्स। जो ग्राउंड वाटर एक्विफर्स है, जैसा आपने चार मेथड थे आपके टू कंजर्व वाटर थ्रू वाटर हार्वेस्टिंग, उसमें से जो आपका थर्ड वाला मेथड था हार्वेस्टिंग थ्रू रिचार्ज वेल्स, वो उसका सेम यही कह रहा है कि इट इज ऑल्सो यूज टू रिचार्ज ग्राउंड वाटर एक्विफर्स। ग्राउंड वाटर एक्विफर्स मतलब जो आपके ग्राउंड वाटर टेबल हैं उनको रिचार्ज किया जा सकता है थ्रू रेन वाटर हार्वेस्टिंग। थर्ड इज, रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज लो कॉस्ट एंड इफेक्टिव टेक्निक ऑफ वाटर कंजर्वेशन। इसमें आपको कुछ नहीं करना, ऐसा नहीं कि आपको करोड़ों रुपए लगाने पड़ेंगे रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स के लिए। सिंपली आपको वाटर कलेक्ट करना है रेन वाटर का एंड आपको उसे यूज करना है। नेक्स्ट इज, इंक्रीजेज वाटर अवेलेबिलिटी एंड क्वालिटी। और रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो बारिश का पानी होता है, आई एम नॉट सेइंग कि जो पहली बारिश होती है वो आपकी इट्स नॉट गुड टू कलेक्ट, क्योंकि उसमें माना जाता है कि कई पॉल्यूटेंट्स आसमान से नीचे आते हैं और कई सारी वो कंजम्पशन के लिए फिट नहीं होता। बट जो बारिश के दिनों का पानी होता है, आपने अपने घर पे एल्डर्स से भी सुना हो कि बारिश के दिनों का जो पानी होता है वो फ्रेश होता है। नॉर्मली जो होता है कई एरियाज पे क्या होता है कि उसमें पॉल्यूटेंट्स काफी ज्यादा होते हैं जो पहली बारिश होती है, बट जो रेनी सीजन में रेगुलर बारिश होती रहती है उसको हमें कलेक्ट करना है एज इट इंक्रीजेस वाटर अवेलेबिलिटी एंड क्वालिटी। नेक्स्ट इज, ट्रेडिशनली डन इन रूरल एरियाज यूजिंग लेक्स पॉन्ड्स इरिगेशन टैंक्स। तो ट्रेडिशनली रेन वाटर हार्वेस्टिंग कई पहले पुराने समय से की जाते आ रही है। आपने 10th की एनसीईआरटी में पढ़ा होगा कि राजस्थान में लोग क्या करते थे कि बड़े बड़े टैंकर्स बनाते थे, क्योंकि राजस्थान में आप जानते हैं कि रेन वाटर मतलब जो बारिश होती है वो इतनी फ्रीक्वेंट नहीं है, और उन टैंक्स में वो वाटर को स्टोर करते थे। इससे अपने घरों के बीच में कई लोगों का क्या था कि वो एक स्ट्रक्चर बना देते थे अपने घर के बीचों बीच जिसमें वाटर स्टोर करते थे, इससे घर कूल भी रहता था एंड वाटर भी अवेलेबल हो जाता था। तो ट्रेडिशनली रेन वाटर हार्वेस्टिंग की जाती थी रूरल एरियाज में यूजिंग लेक्स पॉन्ड्स इरिगेशन टैंक्स एक्सेट्रा। इस स्लाइड में हम बात करेंगे इंडिया नेशनल वाटर पॉलिसी के बारे में, और नेक्स्ट स्लाइड हमारी लास्ट स्लाइड रहेगी जिसके बारे में जिसमें हम पढ़ेंगे जल क्रांति अभियान के बारे में। तो इन दो स्लाइड्स को देखिएगा, देखना मत भूलिएगा। इसका फर्स्ट पॉइंट, इट वॉज लॉन्च्ड इन 2002 एंड इट स्पेसिफाइज वाटर एलोकेशन प्रायोरिटीज। इस पॉलिसी का मेन मोटिव ये है कि वाटर एलोकेट करती है डिफरेंट डिफरेंट प्रायोरिटीज के अकॉर्डिंग। ये कहती है कि सबसे पहली प्रायोरिटी, अगर आपके पास 100 लीटर वाटर है गवर्नमेंट के पास, तो उसकी सबसे पहली प्रायोरिटी होगी कि उन लोगों को प्रोवाइड करेगी जिनको ड्रिंकिंग वाटर चाहिए, मतलब सबसे पहले वो पीने के पानी का इंतजाम करे। सेकंड पे इरिगेशन रखा है, थर्ड पे हाइड्रो पावर, फोर्थ नेविगेशन एंड फिफ्थ इंडस्ट्रियल एंड अदर। तो द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी इज ड्रिंकिंग वाटर अकॉर्डिंग टू नेशनल वाटर पॉलिसी। सेकेंड पॉइंट देख लीजिए, इरिगेशन एंड मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट शुड इंक्लूड ड्रिंकिंग वाटर कंपोनेंट वेयर देयर इज नो अल्टरनेटिव वाटर सोर्स। तो ये कहता है पॉलिसी का सेकेंड पॉइंट कि इरिगेशन प्रोजेक्ट्स होते हैं और जो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स आपके बड़े बड़े डैम्स, उनको वाटर कंपोनेंट मतलब ड्रिंकिंग वाटर कंपोनेंट रखना है, उनको व्यवस्था करनी है, उनको सुविधा देनी है आसपास के लोगों को ड्रिंकिंग वाटर की, जहां देयर इज नो अल्टरनेटिव वाटर सोर्स। लाइक कहीं पर डैम बनता है किसी रिवर पे, अगर लोग उस रिवर का पानी कंज्यूम कर रहे थे, अब उस पर डैम बन गया, अब डैम पर डायरेक्टली तो लोग पानी कंज्यूम नहीं कर सकते। तो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट का एक तरह से ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि अगर उस एरिया में कोई अल्टरनेटिव वाटर सोर्स नहीं है, अगर कोई और वहां पर नदी नहर नहीं है, तो वो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट या इरिगेशन प्रोजेक्ट लोगों को पानी दे, क्योंकि ड्रिंकिंग वाटर इज द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी। नेक्स्ट इज, ड्रिंकिंग वाटर टू एनिमल्स एंड ह्यूमन इज द फर्स्ट प्रायोरिटी, जो हम बात करते आ रहे हैं। नेक्स्ट इज, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ग्राउंड वाटर बी लिमिटेड एंड रेगुलेटेड। जो ग्राउंड वाटर का एक्सप्लॉयटेशन है थ्रू वेल्स एंड ट्यूब वेल्स, उसको लिमिटेड रखना चाहिए एंड इट शुड बी रेगुलेटेड। नेक्स्ट इज, सर्फेस एंड ग्राउंड वाटर टू बी मॉनिटर्ड रेगुलरली। और जो हमारे सर्फेस वाटर है, लेक्स पॉन्ड्स रिवर्स और ग्राउंड वाटर है, उनको मॉनिटर रेगुलरली करना चाहिए। ये तो नहीं, ऐसा तो नहीं कि उनकी जो एक तरह से वाटर है उनमें उनका लेवल बहुत डाउन चले गया। अगर ऐसा है तो हमें कुछ एक्शंस लेने पड़ेंगे उसके अगेंस्ट। ग्राउंड वाटर का लेवल अगर बहुत ज़्यादा डाउन चले गया तो हमें लोगों को रोकना पड़ेगा ग्राउंड वाटर को एक्सट्रैक्ट करने से। लास्ट इज, कंजर्वेशन एंड अवेयरनेस ऑफ वाटर एज अ स्कार्स रिसोर्स शुड बी स्प्रेड थ्रू एजुकेशन, रेगुलेशन एंड इंसेंटिव्स। तो एक मिनट ट्रिक आपको बताऊंगा कि आपके कहीं पर भी नेशनल वाटर पॉलिसी हो या जल क्रांति अभियान हो, कोई भी आए, तो उसमें एक पॉइंट तो हमेशा आपका कॉमन रहता ही रहता है 99.9% कि कंजर्वेशन और कंजर्वेशन की अवेयरनेस हमें लोगों तक पहुंचानी है। नेशनल वाटर पॉलिसी में भी सेम वही है कि वाटर एक स्कार्स रिसोर्स है, हमें लोगों को अवेयर करना है इसके बारे में थ्रू एजुकेशन, हमें लोगों को पढ़ाना है एंड रेगुलेशन एंड इंसेंटिव। आई होप आपको क्लियर हुआ।
और एक और बात, नेशनल वाटर पॉलिसी प्लीज लर्न कर लीजिएगा, प्लीज देख लीजिएगा इसके पॉइंट्स, क्योंकि एग्जाम में आने के चांसेस हैं। नेक्स्ट है आपका जल क्रांति अभियान। जल क्रांति अभियान की नॉर्मली मैं बात करूं तो ये एक कैंपेन था जो गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था 2015 टू 16 के बीच में। फर्स्ट जो 3 पॉइंट्स है उसके बस बेसिक इंट्रोडक्शन पॉइंट्स हैं। मेन जो चीज़ है वो आपकी एम्स टू इन्वॉल्व लोकल बॉडीज, जो फर्स्ट 2, 3, 4, 5 पॉइंट देख सकते हैं आप, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बट अगर जल क्रांति अभियान 5 नंबर में लिखने को आता है, 5 मार्क्स में लिखने को आता है, तो आपको उसका इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा। लाइक आप फर्स्ट पॉइंट जैसा ये स्लाइड में आप देख सकते हैं, 5 मार्क का आंसर है आपका। तो फर्स्ट इज वाटर अवेलेबिलिटी इज लिमिटेड एंड क्लाइमेट चेंज विल क्रिएट वाटर स्ट्रेस कंडीशंस इन मेनी रीजंस। तो ये हम सब जानते हैं कि वाटर अवेलेबिलिटी है, वो ऐसा नहीं है कि अनलिमिटेड वाटर अवेलेबल है, बात हो रही है फ्रेश वाटर की। एंड जो क्लाइमेट चेंज होते जा रहा है, ग्लोबल वार्मिंग, ये सब चीजें, इट विल क्रिएट वाटर स्ट्रेस कंडीशंस, पानी की कमी और बढ़ाएंगी इन मेनी रीजंस। सेकंड इज इट वॉज लॉन्च इन 2015, ये बात हो रही है जल क्रांति अभियान की। थर्ड इज जल क्रांति अभियान एम टू इंश्योर वाटर सिक्योरिटी थ्रू पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। अब ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक इंपॉर्टेंट कीवर्ड है कि जल क्रांति अभियान एम टू इंश्योर वाटर सिक्योरिटी थ्रू पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। जल क्रांति अभियान का टारगेट है, जल क्रांति अभियान का ऑब्जेक्टिव है कि वाटर सिक्योरिटी, कि हर एक इंसान के पास वाटर का अधिकार हो, हर एक व्यक्ति को पानी मिले थ्रू पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, वाटर की सिक्योरिटी हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि लोग फील करें कि दे आर वाटर इनसिक्योर, कि उनके पास पानी की अवेलेबिलिटी नहीं है। इन शॉर्ट, इन ब्रीफ, सबको वाटर अवेलेबल कराना है। नेक्स्ट इज एम्स टू इन्वॉल्व लोकल बॉडीज, एनजीओज एंड सिटीजन्स टू क्रिएट अवेयरनेस। जल क्रांति अभियान टारगेट करता है लोकल बॉडीज को, आपके पंचायत हो, ग्राम पंचायत हो, ब्लॉक्स हो, ये सब चीजों को, एंड एनजीओज, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस को और लोगों को, टू क्रिएट अवेयरनेस। अब इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं। फर्स्ट है सिलेक्शन ऑफ 1 वाटर स्ट्रेस विलेज इन ईच 672 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द कंट्री टू क्रिएट अ जल ग्राम। इसका पहला ऑब्जेक्टिव है कि हमें एक वाटर स्ट्रेस्ड विलेज, हर एक हमारे देश में 672 जो जिले हैं, डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उसमें हर एक जिले में से एक वाटर स्ट्रेस्ड विलेज जहां पानी की बहुत कमी है, मतलब लोगों को वाटर अवेलेबल नहीं हो पाता, हमें हर एक डिस्ट्रिक्ट से एक वाटर स्ट्रेस विलेज लेना है, उसे सिलेक्ट करना है और उसे जल ग्राम क्रिएट करना है, उसे हमें जल ग्राम बना देना है। सेकंड इज हमें आइडेंटिफाई करना है मॉडल कमांड एरिया ऑफ 1000 हेक्टेयर्स इन डिफरेंट पार्ट्स। एक आपका इंदिरा गांधी कैनाल मॉडल कमांड एरिया था। मॉडल कमांड एरिया सिंपली क्या होता है कि एक मॉडल कमांड एरिया, आपका इंदिरा गांधी कैनाल कमांड एरिया एक मॉडल की तरह सर्व करे, ताकि वो दूसरे एरियाज को उससे प्रोग्रेस करें। तो हमें आइडेंटिफाई करना है मॉडल कमांड एरियाज को इन डिफरेंट पार्ट्स। थर्ड इज अबेटमेंट ऑफ पोल्यूशन, हमें पोल्यूशन खत्म करना है, वाटर कंजर्वेशन करना है, ग्राउंड वाटर पोल्यूशन को कम करना है, एंड कंजर्व कंस्ट्रक्शन ऑफ आर्सेनिक फ्री वेल्स। फोर्थ इज क्रिएटिंग मास अवेयरनेस थ्रू सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया एक्सेट्रा, हमें लोगों में अवेयर करना है। जैसा कि मैंने पिछले सेशन में बोला था कि एक ट्रिक होती है कि अगर मोस्टली क्या होता है 99.9% ऐसी स्कीम्स में अवेयरनेस का पॉइंट होता ही होता है, तो हमें मास अवेयरनेस क्रिएट करनी है थ्रू सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया एक्सेट्रा। फिफ्थ इज इट इज डिजाइन टू प्रोवाइड लाइवलीहुड एंड फूड सिक्योरिटी थ्रू वाटर सिक्योरिटी। और जो आपका जल क्रांति अभियान है, इसका फिफ्थ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये डिजाइन किया गया है टू प्रोवाइड लाइवलीहुड एंड फूड सिक्योरिटी थ्रू वाटर सिक्योरिटी, कि लोगों को एक तरह से घर मिले एंड खाना मिले थ्रू वाटर सिक्योरिटी। आई होप आपको क्लियर हुआ। सो गाइज, दिस वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो, आई होप यू ऑल लाइक्ड इट। एंड आई नो कि वीडियो थोड़ी लंबी हो गई हो, पढ़ना थोड़ा बोरिंग लगता है, बट डू रिमेम्बर वन थिंग, पेन फॉर टुडे इज ब्लेसिंग फॉर टुमारो। जितना आप आज पेन सहोगे उतना अच्छा रिजल्ट आपको कल मिलेगा। तो इसीलिए देखते रहिए हमारे वीडियोज को, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।